पिपरिया नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, यहाँ उपस्थित माताओं बहनों, विद्यार्थी मित्रों, मैं सबसे पहले हरीश भाई का और अजय भाई का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये आयोजन किया और आप सभी के साथ मुझे यहाँ प्रस्तुत कर दिया, उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। उसके अलावा भारत स्वाभिमान की जो पूरी टीम है, विवेक भाई जो मेरे साथ मंच पर बैठे हैं प्रांतीय प्रभारी, इनका आभारी हूँ। ये ही मुझे आपके पास तक लेके आए हैं भोपाल से यहाँ तक। इनके सहयोगी श्री दीपेंद्र भाई का आभार व्यक्त करता हूँ। श्री प्रणपाल जी का आभारी हूँ, कमलेश गौर, उनको भी आभार देता हूँ, और अतुल शास्त्री जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस पूरी टीम ने काम किया और आपसे मेरा संवाद हो सका। भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान पूरे देश में शुरू हुआ है 5 जनवरी 2009 से। इस अभियान में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी इसके महामंत्री हैं और मैं इस अभियान का राष्ट्रीय सचिव हूँ। इस अभियान में पूरे भारत देश के कम से कम 2.5 से 3 लाख योग शिक्षक जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में 11 से 12 लाख योग शिक्षक इस अभियान से जुड़ जाएंगे, ऐसी हमारी कोशिश और तैयारी चल रही है। जनवरी 2010 तक हमारे अभियान में कम से कम 11,50,000 योग शिक्षक होंगे। उसके अनुसार अभी हरिद्वार में ट्रेनिंग चल रही है, प्रशिक्षण का काम चल रहा है। आप अगर नियमित रूप से आस्था चैनल देखते होंगे तो बार बार आपको दिखाई देता होगा, अभी एक राज्य के प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम, फिर दूसरे राज्य का, फिर तीसरे राज्य का, ये सतत चलने वाला है। इसके पीछे दृष्टि क्या है, हमें संगठन बनाना है और 11.5 लाख योग शिक्षक तो सीधे सीधे तैयार करने हैं। इसके अलावा उम्मीद है कि 5 करोड़ भारतवासियों को हम हमारे अभियान के साथ सदस्य के रूप में जोड़ पाएंगे इन शिक्षकों की मदद से। अब आप पूछेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों इतना बड़ा संगठन बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है भारत स्वाभिमान की। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी तो योग और प्राणायाम सिखाते थे, आपने देखा है, सुना है, समझा है। अब जो व्यक्ति योग शिक्षक तैयार करने में लगा हो, जिस व्यक्ति ने योग और प्राणायाम को सारी दुनिया में फिर से स्थापित करने का संकल्प ले रखा हो, उनको अचानक से ऐसा क्या हुआ कि योग और प्राणायाम के साथ देश की बात, भारत स्वाभिमान की बात और ये सब करना पड़ जाए। कारण उसका बहुत स्पष्ट है और वही बताने के लिए मैं आया हूँ। अपने भारत देश की वर्तमान जो दशा है और दिशा है, ये दोनों ही बहुत खराब है। देश की परिस्थिति ने हमको मजबूर किया है कि भारत स्वाभिमान नाम का हम अभियान शुरू करें और देश को कुछ सुधारने की कोशिश करें। आप बोलेंगे जी क्या खराबी है अपने देश में, आज़ादी आ गई है, 62 साल हो गए हैं। आज़ादी के पहले बहुत खराबियां थीं इस देश में, लेकिन आज़ादी के 62 साल के बाद भी बहुत सारी खराबियां इस देश में हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि कुछ कमियां, कुछ खराबियां हमारे देश की ऐसी हैं जो आज़ादी के 62 साल के बाद बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही। जैसे आज़ादी जब आई थी तब हमारे यहाँ बहुत गरीबी थी। गरीबी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कितनी गरीबी थी। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जो हर 10 साल में पूरे देश का सर्वेक्षण करता है, जिसको आप जनगणना कहते हैं, मतगणना कहते हैं। जनगणना करने वाला भारत सरकार का जो विभाग है, उसने आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना की थी 1951 में। तो 1951 में जब पहली बार इस देश की जनगणना हुई तो पता चला कि हमारी आबादी उस समय 34 करोड़ थी।
34 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ भारतवासी गरीब थे, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं था, और लगभग 4 करोड़ भारतवासी बेरोजगार थे, जिनके पास कोई काम नहीं था। आज़ादी जब हमें मिली तो 4 करोड़ भारतवासी गरीब और 4 करोड़ बेरोजगार, और कुल आबादी 34 करोड़। आज़ादी के बाद क्या होना चाहिए? आज़ादी के बाद अपनी सरकार बनी, सरकारों ने आपसे टैक्स लिए, टैक्स के बाद देश में बजट बने, विकास की योजनाएं चली। सबसे बड़ी विकास की योजना हमारे देश में चलती है, उसको हम पंचवार्षिक योजना कहते हैं। 5 साल योजना जो सरकार की है, ये सबसे बड़ी योजना होती है, सबसे ज़्यादा खर्चा इसमें होता है। आपको अगर अंदाज़ा लगाना हो तो पंचवार्षिक योजना में, हर पंचवार्षिक योजना में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है, हर पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़। और हमारे भारत में आज़ादी के बाद 10 से 11 पंचवार्षिक योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी जो समय चल रहा है 12वीं पंचवार्षिक योजना का चल रहा है, तो 11 तो पंचवार्षिक योजनाएं पूरी हो गई। एक पंचवार्षिक योजना में लगभग 10 लाख करोड़ का खर्चा होता है, तो 11 पंचवार्षिक योजनाओं में 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, 110 लाख करोड़। और पंचवार्षिक योजनाओं का जब आप ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पता चलता है कि सभी पंचवार्षिक योजनाओं में सबसे ज्यादा जोर है गरीबी हटाओ, गरीबी खत्म करो इस देश में से। और जो भी सरकार हमारे देश में आती है, पंचवार्षिक 5 साल की योजना बनाती है विकास के लिए, वो एक काम है, और हर साल बजट बनाती है वो दूसरा काम। आप देखते हैं ना, हर साल बजट आता है भारत सरकार का फरवरी के महीने में, तो बजट का खर्चा साल का होता है वो अलग है, पंचवार्षिक योजनाओं का अलग है। अगर ये दोनों खर्चे मैं मिला दूं तो अब तक 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। 200 लाख करोड़ रुपए की रकम का अंदाजा है आपको, ये कितनी बड़ी रकम है, 200 लाख करोड़। इस रकम को आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। कारण क्या है? 200 लाख करोड़ लिखने के लिए 16 अंक लगते हैं और कैलकुलेटर में सिर्फ 12 अंक आते हैं। इतनी बड़ी रकम हमने खर्च कर दी, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई, बेरोजगारी दूर नहीं हुई, भूखमरी हमारे देश की खत्म नहीं हुई। क्या हो गया? हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। आज़ादी के 62 साल के बाद भी इस देश में लगभग 6,38,365 गांव हैं, जिनमें से 4 लाख गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। करीब 2 से 2.5 लाख गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है। लगभग 3 लाख गांव में कोई चिकित्सा केंद्र नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। आधे से ज़्यादा गांव में स्कूल नहीं है, और जहां स्कूल हैं ऐसे 90% स्कूलों में पेशाब करने की जगह नहीं है। अगर बच्चों को पेशाब आ जाए तो स्कूल में मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है, ऐसे 90% स्कूल हैं इस देश में। जिन स्कूलों में पेशाब घर नहीं होगा वहां टॉयलेट की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते। हमारे देश की आज़ादी के 50 साल के बाद भी 50% भारतवासी हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, निरक्षर हैं। 70 करोड़ से ज़्यादा भारतवासी हैं जिनके इलाज पर खर्च करने के लिए सरकार के पास 1 रुपया भी नहीं है। क्या हुआ है हमारे देश को? लाखों करोड़ों रुपए के हमने बजट बनाए,
लाखों करोड़ों रुपए की हमने योजनाएं शुरू की इस देश में, और हर साल ये बजट बनता है, हर साल योजनाएं चलती हैं, गरीबी इस देश में कम नहीं होती। गरीबी के बारे में मैं आपको बताऊं, 1951 में 4 करोड़ गरीब थे, अब 2009 में 84 करोड़ गरीब है। अगर गणित का सीधा हिसाब निकालें, ये सब विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, 4 करोड़ गरीब थे, अब 84 करोड़ गरीब हो गए, तो गरीब कितने बढ़ गए? 80 करोड़। और अगर गुने में पूछूं मैं, कितने गुने बढ़ गए? 21 गुने बढ़े कि नहीं? 4 करोड़ से 84 करोड़, 21 गुने ज्यादा गरीब हो गए, और 80 करोड़ ज्यादा गरीब हो गए। क्या हो गया? हमने तो गरीबी खत्म करने के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए हैं, गरीबी तो बढ़ती जाती है। बेरोजगारों की बात करें, 1951 में इस देश में 4 करोड़ बेरोजगार थे, अब 2009 में 60 करोड़ हैं। तो बेरोजगारों की संख्या 56 करोड़ बढ़ गई। और अगर गुने में बात करें तो 15 गुने ज्यादा बेरोजगार हो गए लोग। तब आपके मन में ये आएगा कि गरीबी बढ़ गई, बेकारी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, तो ये शायद इसलिए होगा कि आबादी बढ़ गई इस देश की, जनसंख्या बढ़ गई इस देश की। तो जरा हम पता करें कितनी जनसंख्या बढ़ गई। जब 1951 में हमने जनसंख्या का पहली बार सर्वेक्षण कराया तो पता चला हमारी आबादी 34 करोड़ थी, अब हमारी आबादी है 115 करोड़। तो 34 करोड़ से 78 करोड़ हो जाए तो आबादी एक गुनी बढ़ी, और 78 करोड़ में और 34 करोड़ जोड़ दो तो आबादी दो गुनी बढ़ी, और जोड़ दो तो 3 गुनी से ज्यादा तो आबादी नहीं बढ़ी ना। तो आबादी बढ़ी 3 गुनी तो गरीबी 21 गुनी क्यों बढ़नी चाहिए? आबादी जितनी बढ़ रही है गरीबी इतनी बढ़नी चाहिए, आबादी 3 गुनी बढ़ी तो गरीबी 3 गुनी बढ़नी चाहिए, तो 4 करोड़ गरीब थे तो 12 करोड़ हो जाने चाहिए, 84 करोड़ कैसे हो गए? और जैसे बेरोजगारी की बात हम करें तो बेरोजगार 4 करोड़ थे, 3 गुने बढ़कर 12 करोड़ हो जाने चाहिए, बेरोजगार 60 करोड़ कैसे हो गए? ये गंभीर प्रश्न है। इसका मतलब ये है कि आजादी के 62 साल के बाद इस देश में जो कुछ हुआ है उसने ना तो गरीबी मिटाई, ना बेरोजगारी मिटाई, ना भुखमरी मिटी इस देश की। आज भी इस देश में 50% बच्चे माँ के पेट से जन्म लेने के बाद 3रे महीने में मर जाते हैं, क्योंकि माता उनको दूध पिलाने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि माँ के शरीर में दूध नहीं बनता, क्योंकि माँ को खाने के लिए खुराक नहीं मिलती। ऐसी स्थिति, 50% बच्चे अभी भी इस देश में जन्म के 3रे महीने में मर जाते। तो क्या हो गया हमारे देश को? ये गंभीर प्रश्न। हम अक्सर आपस में चर्चाएं करते हैं, गांव गांव जाने के लिए सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई छोटी से छोटी सुविधाएं भी हम हमारे गांव को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये गंभीर प्रश्न है। इसी गंभीर प्रश्न का जब अध्ययन करने और समाधान खोजने की हम लोगों ने कोशिश की तो पता चला कि भारत में आजादी के 62 साल में सरकार ने पैसे तो बहुत इकट्ठे किए, आपसे टैक्स लेकर, मुझसे टैक्स लेकर, पैसे इकट्ठा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार, हर साल आपसे टैक्स लेती है सरकार। यहां कुछ उद्योगपति बैठे होंगे, व्यापारी बैठे होंगे, सरकार आपसे इनकम टैक्स ले लेती है, सरकार आपसे कॉरपोरेट टैक्स ले लेती है, एक्साइज ड्यूटी ले लेती है, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में पैसा ले लेती है, रोड टैक्स ले लेती है, टोल टैक्स ले लेती है, हाउस टैक्स ले लेती है,
64 तरह के टैक्स सरकार आपसे ले लेती है, उसमें कभी कमी नहीं छोड़ती सरकार। कभी ऐसा हुआ कि सरकार ने आपको बोला कि इस साल टैक्स माफ, छोड़ दो, नहीं देना, एक साल टैक्स नहीं लेंगे। कभी सूखा पड़ गया हो, किसानों के खेत में अन्न नहीं उपजा हो, तो सरकार कह देती है चलो किसानों का कर्ज माफ। ऐसे ही कभी ऐसा हुआ है व्यापारियों का टैक्स माफ, उद्योगपतियों का टैक्स माफ, नागरिकों का टैक्स माफ, नहीं लेंगे इस साल क्योंकि आप बहुत कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, इस साल टैक्स छोड़ देंगे। कभी नहीं छोड़ते टैक्स लेना। सरकार की तरफ से तो हर दिन ये प्रयास रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स उनको देते जाएं। कई ऐसे टैक्स भारत की सरकार ने आपके ऊपर लगाए हैं जो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाए थे। हमारे देश में एक टैक्स है जिसका नाम है सर्विस टैक्स, ये कभी अंग्रेजों ने नहीं लगाया लेकिन भारत सरकार ने लगा दिया आपके। ऐसे बीसियों तरह के टैक्स जो कभी अंग्रेज भी नहीं लेते थे वो भी सरकार हमसे ले रही है, और टैक्स के रूप में हर साल हम उनको 6.25 लाख करोड़ रुपए देते हैं। सरकार को हर साल 6.25 लाख करोड़। 62 साल का हिसाब जोड़ें तो सैकड़ों लाख करोड़ रुपए हमने टैक्स में दे दिया। अब हमने तो टैक्स में दे दिया, क्या सोच कर दिया? आपको अगर मैं पूछूं कि आप सरकार को इनकम टैक्स क्यों देते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्यों देते हैं, सर्विस टैक्स क्यों देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स क्यों देते हैं, तो आप कहेंगे देश का विकास करने के लिए। और सरकार टीवी में भी आपको यही बताती है कि देश का विकास करना है तो ईमानदारी से टैक्स भरिए। विज्ञापन आता है कि नहीं? आयकर विभाग का विज्ञापन आता है, इनकम टैक्स का आता है, सर्विस टैक्स वालों का आता है, ईमानदारी से कर भरिए। उसमें छोटे बच्चों को माता पिता के साथ कई बार दिखाते हैं और बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं आपने टैक्स भरा, माने इमोशनल ब्लैकमेलिंग पूरे पक्के तरीके से सरकार करती है, टैक्स किसी के ऊपर छूटने ना पाए। और आपको मालूम है जो टैक्स की चोरी आप करें और आपको दंड लगे तो 60 गुना तक जुर्माना लगा देते हैं। कभी आपसे छोटी मोटी गलती हो गई, इनकम टैक्स भरने में कुछ चूक हो गई तो दंड आपके ऊपर टैक्स का 60 गुना। टैक्स निकलता था 10,000 तो इसका 60 गुना दंड आपके ऊपर 6 लाख। तो सरकारें दंड भी लेती हैं, टैक्स भी लेती हैं, सारा पैसा इकट्ठा करती हैं और आपको सरकार बोलती है कि ये सारा पैसा हम खर्च करेंगे विकास के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, बेकारी खत्म करने के लिए। लेकिन 62 साल में तो आज़ादी के बाद के आंकड़े कह रहे हैं, और आंकड़े मेरे नहीं हैं, भारत सरकार के। हमारे देश में इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके एक सहयोगी हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है अर्जुन सेन गुप्ता, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। 5 साल उन्होंने एक अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जो एक दिन में 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। 20 रुपए में तो 1 किलो आटा भी नहीं आता आजकल, 1 किलो सब्जी भी नहीं आती, 1 किलो दाल भी नहीं आती। कुछ दालें अगर खरीदनी पड़े तो 20 रुपए में 1 पाव आ जाएगी, 250 ग्राम। 80-80 रुपए किलो की दालें हो गई हैं, 50-60 रुपए किलो की सब्जियां हो गई हैं। 20 रुपए में तो पानी की बोतल 1 लीटर की, 20 रुपए लीटर दूध। माने हमारे यहाँ आज़ादी के 62 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई है, अब तो नमक 15 रुपए किलो आता है इस देश में, पैकेट में बंद। तो 20 रुपए जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए नहीं है, ऐसे 84 करोड़ लोग हैं इस देश में, तो वो क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या जमीन पे बिछाते होंगे, कैसे उनके बच्चे पढ़ते होंगे, कहाँ उनका इलाज होता होगा, आप सोचें तो हृदय में हाहाकार मचता है।
क्या हो गया हमारे देश को, क्यों नहीं गरीबी दूर होती, क्यों गरीबी बढ़ रही है, बेकारी दूर क्यों नहीं हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए के टैक्स हम सरकार को दे रहे हैं फिर भी विकास का काम नहीं हो पा रहा है, देश में कोई भी तकलीफ हमारी खत्म नहीं हो पा रही है। जब इस सब विषयों पर अध्ययन करना शुरू किया तो कुछ मैंने दस्तावेज इकट्ठे किए तो उसमें से जो जानकारी मिली वो बिल्कुल अलग है। जानकारी ये मिली कि आज़ादी के 62 साल में इस देश के लोगों ने टैक्स का जितना पैसा सरकारों को दिया उसमें से 80% आपका धन नेताओं और अधिकारियों ने लूट लिया, 80%। और अगर मैं मेरी बात ना करूं, भारत के प्रधानमंत्री एक समय में जो रहे राजीव गांधी, उनकी बात करूं तो वो कहा करते थे कि 1 रुपया अगर मैं गरीब आदमी के विकास के लिए भेजता हूं तो उसके पास 15 पैसा ही पहुंचता है। इसका माने हर 1 रुपये में 85 पैसे की लूट होती है। इसका माने जो भी बजट के लिए पैसा आप इकट्ठा करके देते हैं, जो भी पैसा पंचवर्षीय योजना के लिए इकट्ठा करके देते हैं, उनमें 85% धन की लूट होती है। अब आप बोलेंगे ये धन कौन लूटता है, ये लूटने वाले अपने ही नेता हैं, कोई बाहर वाला नहीं है। 1947 के पहले तो बाहर के लोग थे जो लूटते थे, अंग्रेज थे, विदेशी थे, इंग्लैंड से आए थे, वो लूटते थे यहाँ का धन और इंग्लैंड लेके जाते थे। लेकिन आज़ादी के बाद से तो एक भी अंग्रेज नहीं है इस देश की संसद में, इस देश की विधानसभाओं में, इस देश की राज्यसभा में या विधान परिषदों में कोई अंग्रेज नहीं है। सब अपने ही भाई भतीजे हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, आपके मेरे हमारे सबके, वही लूट रहे हैं इस देश को और लूट लूट कर धन जमा कर रहे हैं। अधिकारी लूट रहे हैं, नेता लूट रहे हैं। हम लोगों ने इस विषय पर बहुत खोजबीन की है और खोजबीन करते करते पता चला है कि आजादी के पिछले 62 सालों में हमारे नेता और अधिकारियों ने जो धन लूटा है वो रखा कहां है, यहां तो नहीं रखते, यहां रखेंगे तो पकड़ जाएंगे, कभी भी इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। तो नेता धन लूटते हैं, अधिकारी धन लूटते हैं, यहां नहीं रखते, दूसरे देशों में ले जाके जमा करते। अब दूसरे देशों में ले जाके जमा करते हैं तो आप पूछेंगे किन देशों में जमा करते हैं। दुनिया में एक देश है बहुत छोटा सा, हमारे तो एक जिले से भी छोटा देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। वहां कुछ बैंक हैं स्विट्जरलैंड में, जैसे अपने देश में बैंक है ना, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूको बैंक, और फिर बहुत सारी दूसरी जिला स्तर की सहकारी बैंक वगैरह वगैरह, ऐसी ये बैंकें दुनिया में सब देशों में हैं। तो एक देश है उसका नाम है स्विट्जरलैंड, वहाँ 36 बैंक हैं, अपने यहाँ तो उससे ज़्यादा है, लेकिन वो देश छोटा है, 36 बैंक हैं। उनके कुछ नाम हैं, एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, दूसरी का नाम है बैंक ऑफ ज्यूरिख, फिर एक है बैंक ऑफ स्वाजीलैंड, ऐसी 36 बैंकें हैं। उन बैंकों में हमारे नेता और अधिकारी पैसा लूट कर जमा करते हैं। आप बोलोगे उसमें खाता खुल जाता है, हाँ खाता खुल जाता है, कोई भी खाता खोल सकता है, लेकिन जो खाता खोलता है उसका नियम है। जैसे आप अपने स्टेट बैंक में खाता खोलें तो स्टेट बैंक वाले क्या कहते हैं, कम से कम 500 रुपए जमा करो, कहते हैं ना, तभी खाता खुलेगा। स्विट्जरलैंड के बैंकों में नियम है कम से कम $10 करोड़ जमा करो तब खाता खुलेगा, कम से कम $10 करोड़। तो इसका मतलब तो पक्का है कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में खाता खोला है अगर किसी ने तो कम से कम $10 करोड़ तो है उसके पास, और $1 में
50 रुपया होता है तो 10 करोड़ डॉलर का मतलब हो गया 500 करोड़ रुपया। माने 500 करोड़ रुपए से कम अगर किसी के पास है तो वो तो खाता ही नहीं खोल सकता। अब स्विट्जरलैंड की बैंकों में ऐसे 80,000 खाते खुले हुए हैं, 80,000। किसके हैं? भारत के नेताओं के और अधिकारियों के। आप बोलेंगे जी इनके नाम बता दो, बताने वाले हैं हम, थोड़े दिन इंतजार करो। हमने पूरी खोजबीन कर ली, एक एक का नाम पता किया है, एक एक का। आप बोलेंगे कैसे पता किया? वो जो बैंक वाले हैं ना जो खाता खुलवाते हैं वो बताते नहीं, वो गुप्त रखते, कोई जानकारी वो देते नहीं। तो फिर हमने कैसे पता किया? वो तो बताते नहीं किसी को, तो हमने कैसे पता किया? हमने ऐसे पता किया कि दिल्ली के हवाई अड्डे से, बंबई के हवाई अड्डे से, मद्रास के हवाई अड्डे से, कलकत्ता के हवाई अड्डे से, बड़े बड़े हवाई अड्डों से कौन कौन स्विट्जरलैंड जाता है, इसका पता करो। तो उसकी पूरी सूची निकाली हवाई अड्डों से। हवाई अड्डों से पता चला, लाखों लोगों की सूची निकल आई। फिर उसमें से हमने छांटना शुरू किया कि इसमें यह पता करो कि हर महीने कौन कौन जाता है, हर महीने कौन जाता है, 15 दिन में कौन जाता है, 20 दिन में कौन जाता है, 25 दिन में कौन जाता है, पता करो। क्योंकि घूमने वाला आदमी स्विट्जरलैंड जाएगा, कोई कहता जी मैं तो घूमने गया था। ठीक है भाई, तुम घूमने गए थे तो साल में कितनी बार घूमने कोई जाएगा? एक बार बहुत जाएगा, 2 बार। ज्यादा लोग जो घूमने जाते हैं वो मुझे कहते हैं कि राजीव भाई एक बार स्विट्जरलैंड चले जाओ तो दोबारा जाने का दिल नहीं होता। क्यों? कुछ है ही नहीं वहां, कुछ ऐसा खास नहीं है। वो कहते हैं स्विट्जरलैंड से सुंदर तो अपना पंचमढ़ी है, स्विट्जरलैंड से सुंदर तो अपना शिमला है, स्विट्जरलैंड से सुंदर तो जम्मू कश्मीर है, स्विट्जरलैंड से सुंदर तो उत्तराखंड है। हिंदुस्तान में ऐसी 100 से ज्यादा जगह हैं जो स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर हैं। जो आदमी ने वो देखी नहीं है उनको स्विट्जरलैंड स्वर्ग लगता है, लेकिन जब इन जगहों को कोई देख लेता है वो कहता है स्विट्जरलैंड में तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो उससे ज्यादा है। तो इसलिए जो घूमने जाता है वो एक बार के बाद दोबारा नहीं जाता, लेकिन जो बार बार जाता है, हर महीने में 2 बार 3 बार 4 बार, कुछ तो ऐसे महान है हर हफ्ते जाते हैं, उनकी सूची जब हमने निकाली तो उसमें 80,000 नाम निकल आए। और फिर हमने जब उनकी खोज करना शुरू किया कि ये नाम का आदमी हिंदुस्तान में क्या काम करता है, तो पता चला नेतागिरी करता है। इस नाम का आदमी हिंदुस्तान में क्या काम करता है? अब कोई उद्योगपति है, बहुत बड़ा उद्योग चलाता है, व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापार करता है, और वो उस सूची में नाम में आता है तो मुझे संतोष है कि भैया वो तो उद्योगपति है, व्यापारी है, उसका तो 1,000 करोड़ का व्यापार है, उसका तो 1,000 करोड़ का साम्राज्य है, वो स्विट्जरलैंड जाके पैसे रखता है, जमा करता है, तो समझ में आता है कि उसके पास तो 1,000 करोड़ है, 10 कारखाने 20 कारखाने 50 कारखाने। लेकिन जो शुद्ध नेतागिरी करता है उसका नाम उस लिस्ट में जो देखता हूं मैं, तो खटकता है वो कि इसकी तो चाय की दुकान भी नहीं है और इसका नाम उस सूची में है, इसकी तो पान की भी दुकान नहीं है और इसका नाम वो स्विट्जरलैंड जाने वालों की सूची में है। तो मन में शक पैदा होता है कि नहीं? जिस आदमी ने जिंदगी में चाय की दुकान नहीं खोली, जिसने पान की दुकान नहीं खोली, जिसने कभी जिंदगी में किराने और परचून की दुकान भी नहीं खोली, जिसने कभी व्यापार नहीं किया, कोई उद्योग नहीं चलाया, उसका नाम जब स्विट्जरलैंड जाने वालों की सूची में आता है और 1,000 करोड़ रुपए उनका वहां पड़ा हुआ है, तो पक्की बात है कि उन्होंने कहीं से लूटा है वो पैसा। हमारे देश में पुराने जमाने में डकैत हुआ करते थे,
डाकू मोहर सिंह, डाकू माधो सिंह होते थे ना, डाकू जालिम सिंह वगैरह वगैरह, ये डकैत होते थे। और इनके पास पैसा मिलता था, पुलिस जब इनके घर में छापा मारती थी तो सबको पता है कि कहां से आया, लूटा। कभी एक गांव में जाके लूटा, कभी दो गांव में, कभी तीन गांव में, कभी एक परिवार, कभी दो परिवार, कभी पांच परिवार। तो हमें संतोष है कि भाई डाकू मोहर सिंह के पास पैसे कहां से आए, कहीं लूटा उसने। डाकू माधो सिंह के पास पैसे कहां से आए, कहीं से लूटा। अब पता चला है कि नए नए डाकू मोहर सिंह और माधो सिंह इस देश में पैदा हो गए, जिनके घर में चाय की भी दुकान नहीं है, पान की भी दुकान नहीं है, और उनके पास सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति है। मैं बिना नाम लिए कहता हूं, महाराष्ट्र में ऐसा ही एक डाकू है, हम सब उसे नेता कहते हैं, और वो मंत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री है। उसने बंबई से पूना के बीच की सारी जमीन खरीद रखी, बंबई से पूना के बीच की सारी जमीन, लाखों हेक्टेयर की जमीन एक डाकू ने खरीद रखी। आप सोचो, ऐसे ऐसे 80,000 हैं, मैं तो एक की बात कर रहा हूं, 80,000 जिन्होंने लूट लूट के इस देश का पैसा स्विस बैंकों में जमा कर रखा है। तो मैं तो आपसे यही कहने आया, डाकू मोहर सिंह मरा नहीं है, डाकू माधो सिंह मरा नहीं है, डाकू जालिम सिंह मरा नहीं है, उन्हीं की आत्मा हमारे नेताओं में प्रवेश कर गई। अंधाधुंध लूट रहे हैं इस देश को, और आपका पैसा, मेरा पैसा, दर्द मुझे इस बात का है कि मेरा पैसा है, आपका पैसा है। अगर मेरा आपका नहीं होता तो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते, चलो ठीक है, मैं आप और सब मिलके जो टैक्स में दे रहे हैं उसको लूट रहे हैं। आप मालूम है कितना कितना टैक्स में पैसा देते हैं जिसको ये लूटते हैं, कैसे कैसे पैसा देते हैं आप जिसको, सरकार को टैक्स के रूप में, और ये लूट लेते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। आप दुकान में जाके कोई भी चीज खरीदो, पेन खरीदो, पेन, ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये आप खरीद लो, 10 रुपए का कम से कम मिलेगा, कम से कम 15 का भी मिल सकता, 20 का भी मिल सकता, कम से कम तो 10 का मिलेगा। ये जो पेन बनाने वाली कंपनी के मालिक को एक बार मैंने पूछा कि तुम्हारा पेन जो 10 रुपए में मिलता है बाजार में, ये फैक्ट्री में कितने का बनता है? तो उसने कहा क्या करोगे जानकर? मैंने कहा पता होना चाहिए ना लूट कितनी हो रही है मेरी। तो इसके मालिक ने मुझे बताया कि ये 1 रुपए में बनता है, 1 रुपए में। फिर मैंने कहा पूरा पेन? उसने कहा हाँ पूरा पेन 1 रुपए में बनता है। फिर मैंने कहा इसके अंदर की जो रिफिल है? तो उसने कहा वो 50 पैसे। तो माने ये पेन 1.5 रुपए का है। अब 1.5 रुपए का पेन आपको 10 रुपए में क्यों मिलना चाहिए? तो सरकार ये कहती है हमने इस पे टैक्स लगाया, तो टैक्स कितना लगा दिया? 8.5 रुपए। अब आपकी जेब से सरकार ने 8.5 रुपए निकाल लिए अगर आपने एक पेन खरीदा, तो दो खरीदे तो 17 रुपए निकाल लिए, तीन खरीदे फिर 4 खरीदे, और करोड़ों खरीदे तो 1 करोड़ रुपए निकाल लिए। तो पेन बेचा उन्होंने, दुकानदार ने ले लिया, सरकार ने उसमें से टैक्स। पेन के अलावा आप कुछ भी खरीदो, घड़ी खरीदो, घड़ी, मेरे हाथ में घड़ी है, ये घड़ी बनाने वाली कंपनी के मालिक जो मैनेजर हैं उनको एक बार मैंने पूछा बनती कितने की है, तो ये घड़ी बाजार में है लगभग 500 रुपए की, 570 रुपए की ये घड़ी है। उन्होंने कहा जी कारखाने में तो ये 65 रुपए की बनती है, सिर्फ 65 रुपए की बनती है, बाकी सब कंपनी मुनाफा लेती है, सरकार टैक्स लेती है। आप साबुन खरीदो, साबुन बाजार में तो 15 रुपए का कोई साबुन आप जब खरीदते हो उसको बनाने का खर्चा सिर्फ 2.5 रुपए आता है। आप वॉशिंग पाउडर खरीदो, वॉशिंग पाउडर तो 20 रुपए 25 रुपए किलो में जो आता है ना
उसको बनाने का खर्चा 6 रुपए आता है। अरे छोटी छोटी बातें छोड़ो, बड़ी बात करता हूं, ट्रैक्टर खरीदो, ट्रैक्टर कितने का? 5 लाख का। 5 लाख का जो ट्रैक्टर हम खरीदते हैं ना, वो कारखाने में 80,000 में बनता है, सिर्फ 80,000, बाकी टैक्स है और कंपनी का मुनाफा है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का खर्च, लागत का खर्च, माने वस्तु को बनाने में कुल कितना खर्चा होता है वो। तो ट्रैक्टर का 80,000 का है। मारुति खरीदो, मारुति 800 कितने की है? 2.5-3 लाख की है। वो कारखाने में 92,000 में बनती है। बड़ी बड़ी कोई भी चीज खरीदो तो आप समझ लेना, कोई भी वस्तु में 60-70% तो केंद्र सरकार के टैक्स में, फिर राज्य सरकार के टैक्स में, फिर जिला सरकार के टैक्स में, फिर स्थानीय सरकार के टैक्स में, टैक्स में ही सारा पैसा खींचते हैं आपसे। और आप जब टैक्स में देते हैं तो आपकी जिंदगी हराम होती है। कैसे? हर चीज आपको जो मिलनी चाहिए 2-5 रुपए में, वो मिलती है 50-60 रुपए में, क्योंकि टैक्स लग गया उस पर। तो आप तो खर्चे में कमी करते हैं क्योंकि महंगी है, लेकिन आपको पता नहीं, वो तो सरकार ले लेती है आपसे। और एक दो बात बताऊं आपको, डीजल खरीदते हैं आप, डीजल 1 लीटर 35 रुपए में, आपको मालूम है 15-17 रुपए में बनता है 1 लीटर डीजल। पेट्रोल खरीदते हैं आप 50 रुपए में, 1 लीटर पेट्रोल भी 17-20 रुपए में बन जाता है। आप सीमेंट खरीदते हैं, 1 सीमेंट का पैकेट 225 रुपए का आता है 50 किलो का, वो 77 रुपए में बन जाता है कारखाने में। कुछ भी खरीदे तो बनता तो बहुत सस्ता है सब कुछ, और ये सरकार लूट लेती है टैक्स के रूप में आपसे। हमारे देश की सरकारों के सामने हम लोग एक बात का झगड़ा कर रहे हैं। आप पूछेंगे क्या झगड़ा कर रहे हैं? हर एक वस्तु पर लिखते हैं ना MRP, तो MRP का माने मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम कहते हैं ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिख के तो सबको मूर्ख बनाते हो तुम, बंद करो ये लिखना। और अगर इसको लिख रहे हो तो इसके बगल में लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना। ये तो अधिकतम मूल्य लिख दिया, ये बताओ न्यूनतम मूल्य क्या है इसका। ये पानी की बोतल 15 रुपए में हमको देते हैं, बताओ तो सही बनती कितने की है? 3.5 रुपए की, और 15 में देते हैं हमको। आप जो दांत घिसने के लिए टूथपेस्ट लाते हैं ना बाजार से, 100 ग्राम आपको 30 रुपए का मिलता है, वो 3 रुपए में बनता है। अच्छे से अच्छा साबुन जो 40 रुपए का बाजार से आप खरीदते हैं, वो 6 रुपए में बनता है। चीजें बहुत सस्ती बनती हैं, लेकिन उन पर टैक्स लगा लगा कर इतना महंगा कर रखा है कि आपकी जेब से सब खींच के ले जाते हैं। तो मुझे दर्द इसी बात का है कि मैं हर चीज बाजार से महंगी खरीदता हूं, मेरे पैसे टैक्स में सरकार को देता हूं, सरकार के नेता और अधिकारी उसे लूटते हैं और ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा करते हैं और मजा करते हैं। हम यहां भूखे मरते, प्यासे मरते, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं, स्कूल पढ़ने नहीं जा सकते, बिना दवा के मर जाते हैं, ऐसी हमारी हालत है। और हमारे नेताओं को कभी भूख से मरते सुना? एक नेता का नाम बता दो जो भूख से मर गया हो। मैं आपको 100 के नाम बता सकता हूं जो ज्यादा खा के मर गए। इसी मध्य प्रदेश के 100 नेताओं के नाम गिना सकता हूं जो ज्यादा खा के मर गए। और कैसे मर गए? पेट इतना आगे आ गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, फट गया, मर गए। उत्तर प्रदेश के 150-200 नेताओं के नाम बता सकता हूं जो ज्यादा खा के मर गए। जो ज्यादा खा के मरते हैं ना, वही डायबिटीज से मरते हैं और हार्ट अटैक से मरते हैं।
तो डायबिटीज और हार्ट अटैक उन्हीं को हैं ज्यादा खा रहे हैं। पचाने के लिए तो कुछ है नहीं, काम कुछ करना नहीं पड़ता, गाड़ी से बैठकर एक जगह, गाड़ी से बैठकर दूसरी जगह, पैदल भी नहीं चलते तो मरेंगे ही डायबिटीज से और हार्ट अटैक से। तो डायबिटीज और हार्ट अटैक में हजारों नेता मर गए ज्यादा खा के, भूख से तो एक भी नहीं मरा इस देश में। तो उनके यहां भुखमरी नहीं है, भुखमरी हमारे यहां। जो दे रहा है टैक्स का पैसा भूख से वो मर रहा है, जो दे रहा है टैक्स का पैसा बर्बादी उसकी हो रही है, जो दे रहा है टैक्स का पैसा गरीबी में वो जा रहा है, जो ले रहे हैं टैक्स का पैसा वो तो सब मौज कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। बहुत दुख होता है ये जानकर कि हमारे बच्चे नगर पालिका की पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं और टैक्स लूटने वाले नेताओं के बच्चे सब पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे घर के लोग बीमार हो जाएं तो नगर पालिका के हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं जहां पर गंदगी ही गंदगी बिखरी रहती है। नेताओं के घर वाले जब बीमार पड़े तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाते हैं या लंदन चले जाते हैं। उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ें, उनके बच्चे लंदन में पढ़ें, उनका इलाज अमेरिका में हो, उनका इलाज लंदन में हो, वो सब टैक्स लेने वाले हैं, वो मालिक नहीं है इस देश के, नौकर हैं, सेवक हैं, वो मजा करें, मौज करें। और हम सब जो टैक्स दे रहे हैं, जो इस देश के मालिक हैं, वो भूखे मरें, गरीबी में रहें, बेरोजगारी में, ये कैसे चलेगा इस देश में और क्यों चलेगा? यही प्रश्न जब बार बार हमारे मन में आता है तब हमको लगता है कि कुछ करना चाहिए, इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। जिस व्यवस्था में नेता और अधिकारी लूटने में लग गए हों, इनको आज नहीं तो कल हटाना ही चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर हमने भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया है। वरना एक सन्यासी को, एक साधु को ये सब करने की क्या जरूरत है? आप जानते हैं कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो किस बात के लिए? धर्म कर्म का काम करने के लिए। तो स्वामी रामदेव जी तो सन्यासी हैं, 1995 में सन्यास ले लिया, तो उनका तो मूल काम है धर्म कर्म का, लेकिन उनके दिल में आग लगी हुई है इसी बात की कि मेरे देश के टैक्स देने वाले लोग भुखमरी में रहें, मारामारी करें, जिंदगी जीने के लिए रात दिन संघर्ष करें, उनको पानी भी ना मिले, उनको बिजली भी ना मिले, उनको स्वास्थ्य ना मिले, चिकित्सा ना मिले, और टैक्स लेने वाले जो नौकर और हमारे सेवक हैं वो मजा करें, सारे पैसे को लूट लूट कर विदेशी बैंकों में जमा करें, अपने ऊपर खर्च करें, ये व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, इसको बदलना चाहिए। और इसी व्यवस्था को बदलने के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया है। नेताओं की व्यवस्था और अधिकारियों की व्यवस्था जो 62 साल से हमको लूट रही है, और लूट लूट कर वो व्यवस्था तो करोड़पति अरबपति हो रही है, हम सब रोडपति हो रहे हैं, इस व्यवस्था को बदलने के लिए भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया है। मैं 80,000 नेताओं की जो बार बार बात कर रहा हूं, इनकी सारी संपत्ति का हमने हिसाब निकाला तो पता चला 20 साल पहले उनके पास टूटी साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए, टूटी साइकिल नहीं थी। कई नेता तो ऐसे हैं इस 80,000 की लिस्ट में कि 15-20 साल पहले अपनी जेब से 2 रुपया निकालकर चाय नहीं पी सकते थे, वो इतना भी नहीं था उनके पास। और आज हिंदुस्तान की सरकारों में मंत्री हो गए, या राज्य सरकारों में मंत्री हो गए, या विधायक हो गए, या सांसद हो गए, एमएलए एमपी हो गए, उसके बाद एक एक के पास हजारों करोड़ की संपत्ति। मैं बिना नाम लिए कहता हूं आपको, महाराष्ट्र में मुंबई के 3 नेता हैं उस 80,000 की लिस्ट में, तीनों दादर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर पालक बेचते थे। पालक तो आप जानते हैं, सब्जी।
जब सीजन आता था तब पालक बेचते थे, जब सीजन आता था बथुआ बेचते थे। बथुआ आप सब जानते हैं, तो पालक बेचते थे, बथुआ बेचते थे, मेथी बेचते थे, मेथी गट्ठर बना बना के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर। फिर कुछ बड़े नेताओं के चक्कर में आ गए, उनकी चापलूसी जी हजूरी करना शुरू किया। और हमारे देश में तो नेतागिरी ऐसे ही होती है, जो जितना बड़ा चापलूस वो उतना बड़ा नेता, और कोई योग्यता नहीं चाहिए। कोई बड़े नेता के आगे पीछे घूमना शुरू कर दो, चापलूसी जी हजूरी करना शुरू कर दो, उसको टिकट मिल जाएगा। इन तीनों को टिकट मिल गया, ऐसे ही ये एमएलए हो गए, फिर बाद में सांसद हो गए, राज्य में मंत्री हो गए, केंद्र में मंत्री हो गए। और वो तीनों भाजी बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले नेताओं की एक एक की संपत्ति इस समय 20,000 करोड़ से ऊपर की है। ताली मत बजाओ इस पे, एक एक की संपत्ति 20,000 करोड़ की, कहां से लाए भाई? तो जब भी मैं उनसे मिला और एक ही सवाल मैंने पूछा कि भाई 20 साल पहले तो आप दादर में बैठ के भाजी बेचते थे, हां बेचते थे, अब 20,000 करोड़ कहां से आ गया? भाजी बेचने वाला 20,000 करोड़ 20 साल में कमा लेता है? तो कहते हैं जी ईश्वर ने दे दिया। उस ईश्वर को और बदनाम करते हैं, ईश्वर ने दे दिया। तो ईश्वर ने उनको ही दिया, आपको नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, इतने लोगों को नहीं दिया, उन्हीं को दिया। और एक की कहानी सुनाता हूं। दो नेता 80,000 की लिस्ट में है। नासिक में एक सिनेमा घर है, वहां टिकट ब्लैक करते थे 15 साल पहले। सिनेमा घर के बाहर खड़े होके टिकट ब्लैक करते थे, और आज उन दोनों की संपत्ति 12,000 से 13,000 करोड़ की। तो कोई सब्जी बेचता था, कोई टिकट ब्लैक करता था, खाने को नहीं था, चाय पीने को पैसे नहीं थे, चलाने को साइकिल जिनके घर में नहीं थी, बाप दादों ने जिनके लिए कोई संपत्ति कभी नहीं छोड़ी, आज हजारों हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। कहां से हुआ? लूट कर उन्होंने ये पैसा जमा किया। लूटा कहां से? आपका पैसा, मेरा पैसा, जो खजाने में जमा होता है टैक्स का, उसमें से लूटा। और कितना लूटा? जो कुल हमने जमा किया उसका कम से कम 85%। तो अब हिसाब समझ में आता है। 62 साल आजादी के हमने लाखों करोड़ों का जो टैक्स दिया उसका 85% लूट लिया इन नेता और अधिकारियों ने और जमा। मैं आपको एक अधिकारी की बात और सुना देता हूं, नेताओं का तो हो गया। मैं उत्तर प्रदेश में, मेरा जन्म हुआ। अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी को जेल हुई है, उसका तो नाम बता देता हूं, कोई हरकत नहीं, क्योंकि अब तो वो जेल चला गया और अदालत ने भी कह दिया कि इसके नाम के साथ अब कोई दिक्कत नहीं है बताने में। उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह, नाम बड़ा दुरुस्त है, अखंड प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार में वो आदमी चीफ सेक्रेटरी था, कैबिनेट सेक्रेटरी, समझते हैं, इससे ऊंची कोई पोस्ट नहीं होती। आईएएस अधिकारी होते हैं ना, सबसे ऊंचे माने जाते हैं। आईएएस अधिकारी की आखिरी पोस्ट यही होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी। अखंड प्रताप सिंह इस पोस्ट पर रहा, तो उसके घर में इनकम टैक्स वालों की और सीबीआई के जब छापे पड़े तो 400 करोड़ रुपए की संपत्ति निकली, 400 करोड़। जिंदगी में 40 साल उसने नौकरी की, नौकरी में उसकी जो सबसे अधिकतम तनख्वाह होती है वो मैंने 40 साल की जोड़ दी तो वो 90 लाख बैठती है, और घर में निकला 400 करोड़। और 90 लाख की जो तनख्वाह 40 साल में बैठती है उसमें खर्चा भी हुआ होगा, खाने में, पीने में, बच्चों की शिक्षा में, हॉस्पिटलाइजेशन में, तो खर्चा मान लो उसका आधा हो गया हो तो 45 लाख निकलना चाहिए, निकला 400 करोड़। जब वो पकड़ा गया, जेल हुई, अभी वो जेल में है, तो आईएएस अधिकारियों की एसोसिएशन ने महाभ्रष्ट अधिकारी का उसको खिताब दिया, महाभ्रष्ट। एक बार मैं वो आईएएस ऑफिसर्स की एसोसिएशन में चला गया तो उन्होंने कहा, राजीव भाई ये तो एक है, ऐसे तो सैकड़ों हैं जिनके नाम नहीं आए अभी आपके सामने।
सैकड़ों हैं। तो अधिकारी लूटे, नेता लूटे, सारा धन इनके पास इकट्ठा होता जाए, विदेशी बैंकों में जमा करते जाए और वो लूट बढ़ते बढ़ते उनको करोड़पति बनाए, अरबपति बनाए और हम सब रोडपति रह जाए, ये अपने को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ये भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया। अब आप बोलेंगे हम क्या करना चाहते हैं। इस भारत स्वाभिमान अभियान की मदद से सबसे पहला काम जो हम करना चाहते हैं इस देश में, वो इस लूटखोरी को बंद करना चाहते हैं। आप बोलेंगे जी ये कैसे बंद हो सकती है ये लूटखोरी। इसके लिए पूरे देश के लोगों को हम तैयार कर रहे हैं मानसिक रूप से। परम पूजनीय स्वामी जी भाषण दे रहे हैं, मैं भी देता हूँ आस्था चैनल पे, गांव-गांव जाता हूँ, स्वामी जी भी घूमते हैं, सबको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि इस लूटखोरी की व्यवस्था को बंद कराना है। तो ये कैसे बंद होगी, इसके दो तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि इस देश में 1,00,000 से ज़्यादा कानून है, आपको मालूम है 1,00,000, उससे भी ज़्यादा कानून है इस देश। पुलिस का कानून जिसको आप कहते हैं ना इंडियन पुलिस एक्ट, IAS अधिकारियों का कानून जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कहते हैं, भारतीय दंड संहिता जिसको IPC कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ऐसे 1,00,000 से ज़्यादा कानून हैं। इनमें से 34,735 कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, बाद में आज़ादी के काले अंग्रेजों के बनाए हुए हैं कुछ। काले अंग्रेज कौन है, यही हरामखोर लोग जो लूट रहे हैं देश को, इनको हम काला अंग्रेज कहते हैं। तो इन्होंने 1,00,000 कानून बना रखे हैं। हमारा ये कहना है एक कानून और बनाओ, 1,00,000 तो तुमने बनाए, अब एक कानून हम बनवाना चाहते हैं इस देश में। क्यों, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के टैक्स पेयर हैं, इस देश के मालिक हैं, हम इस देश में जो चाहेंगे वो होगा क्योंकि प्रजातंत्र है। तो हम चाहते हैं एक कानून और बनाओ, और वो कानून ये कि लूटखोरी की इस व्यवस्था में जो भी शामिल है उसको सीधे फांसी की सजा हो जाए। सीधे फांसी, और फांसी उसको जेल के अंदर नहीं, चौराहे पे। जेल के अंदर होगी तो कौन देखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, चौराहे पे हो। और किस चौराहे पर, जहां का वो है। मान लीजिए कोई नेता पिपरिया का है और उसने लूटखोरी किया, भ्रष्टाचार किया, तो पिपरिया के चौराहे पर फांसी हो, और फांसी देते समय पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर इकट्ठा हो और देखे कि लूटखोरी करने का ये अंजाम होता है। जैसे ही ये कानून बन जाएगा, लूटखोरी इस देश में से जड़ से खत्म हो जाएगी। जिसको जिंदा रहना होगा वो ईमानदारी से रहेगा, जो भी लूटखोरी और भ्रष्टाचार करेगा मालूम है कि फांसी हो जाएगी। और मैं तो एक दिन स्वामी जी से कहा कि फांसी ऐसे ही नहीं देनी है, फांसी देने से पहले उल्टा लटकाना उसको, उल्टा, पैर ऊपर सिर नीचे, और आग जलानी नीचे, आग, और आग में मिर्ची का पाउडर झोंकना, उसके बाद उसको फांसी देना। आप सोचो मेरे आपके ईमानदारी के कमाए हुए पैसे में से जो मैंने टैक्स दिया खून पसीने का, उसको कोई लूट रहा है, तो माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह से कम है क्या? हम माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह को फांसी पे लटका सकते हैं, तो इन हरामी नेताओं को क्यों नहीं लटका सकते जो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। ये कानून बनवाने के लिए हमने अभियान शुरू किया है। आप बोलेंगे ये कानून बनेगा, हाँ बनेगा, कैसे, हम कह रहे हैं आप भी कहिए, आपके जैसे करोड़ों लोग कहें बन जाएगा, क्योंकि इस देश में प्रजातंत्र है, करोड़ों लोग जो बात कहते हैं वही होती है। तो हम करोड़ों लोगों को ये बात कहने के लिए प्रेरित करेंगे, और हमारी कल्पना है कि अगले 5 साल में ये कानून होना चाहिए। ये काम के लिए भारत स्वाभिमान का
अभियान शुरू हुआ है। दूसरा काम क्या करना है कि भविष्य में तो लूटखोरी बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो, दूसरा काम यह करना है कि अब तक जो लूट लिया है इन्होंने वो भी वापस आए। 72,80,000 करोड़। और स्विट्जरलैंड के अलावा जो दूसरे देश हैं दुनिया में, वहां जो लूट कर रखा हुआ है वो करीब 35,00,000 करोड़ है। दोनों मिला दें तो लगभग 110,00,000 करोड़ रुपया हमारा लूट कर इन नेता और अधिकारियों ने विदेशी बैंकों में रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं दूसरा कानून ये बने इस देश में कि 62 साल आजादी के बाद जितना पैसा भारत से लूट कर बाहर के बैंकों में जमा किया गया वो वापस भारत में आए। तो आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, इसके लिए एक कानून बनाना है। वो कानून क्या कहेगा? वो कानून सिर्फ इतनी सी बात कहेगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धन भारत के नागरिकों का लूट के माध्यम से विदेशी बैंकों में जमा हुआ है वो भारत का राष्ट्रीय धन है, वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो भारत की नेशनल प्रॉपर्टी है। कानून ये बनाना है। तो आप बोलेंगे इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रीय बैंकों में ही जमा हो सकती है। अगर किसी धन को हम ये कहें कि ये हमारा राष्ट्रीय धन है तो वो या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो सकता है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है, या पंजाब नेशनल बैंक में हो सकता है, भारत के ही बैंकों में जमा हो सकता है। कानून ये है कि राष्ट्रीय धन राष्ट्रीय बैंकों में जमा होता है। हम चाहते हैं कि कानून ये बन जाए कि विदेशी बैंकों में जो जमा है वो राष्ट्रीय धन है, तो चुपचाप वहां से निकल के सब भारत की बैंकों में आके जमा हो जाएगा। आप पूछेंगे क्या वो देंगे जिन बैंकों में ये जमा है? हाँ वो देंगे, क्योंकि उनके बाप का धन नहीं है, हमारा है। वो देंगे। कैसे देंगे? उनके खिलाफ हमको मुकदमेबाजी करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे कौन मुकदमा सुनेगा, कहाँ मुकदमा होगा? एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत होती है, जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट है ना, ऐसे ही दुनिया का एक सुप्रीम कोर्ट है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कहाँ पर है? एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है हेग। और ये हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड नाम के देश में। वहां एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहां हमको मुकदमा करना है। मुकदमा इस बात के लिए कि 62 साल हमारे देश के बेईमान लोगों ने जो धन जमा किया है वो इन इन बैंकों में है, ये हमें वापस चाहिए और ये हमारा राष्ट्रीय धन है। तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत हमारे पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ। आप बोलेंगे किसने किया, कौन था? अमेरिका नाम का एक देश है, वहां पर एक आदमी राष्ट्रपति बना है, उसका नाम है बराक ओबामा। अमेरिका के 250 साल के इतिहास में पहली बार एक काला आदमी राष्ट्रपति बना है। अमेरिका गोरे लोगों का देश है, लेकिन वहां एक काला आदमी राष्ट्रपति बन गया। कैसे हो गया? गोरे लोगों में काला आदमी राष्ट्रपति, काले लोगों के वोट अमेरिका में सिर्फ 15% हैं, गोरे लोगों के वोट 85% हैं, फिर भी गोरे लोगों ने काले आदमी को जिता दिया। कारण जानते हैं? उसने वायदा किया था अमेरिका के लोगों से, उसने वायदा किया था कि मैं अगर राष्ट्रपति जीत कर आया तो सबसे पहला कानून बनाऊंगा अमेरिका में जो भ्रष्टाचारी नेताओं ने धन अमेरिका का लूट कर विदेशी बैंकों में रखा है इसको वापस लाऊंगा। अमेरिका के लोगों ने जिता दिया उसको, और इतने वोटों से जिताया जो 250 साल का इतिहास टूट गया अमेरिका। वो जीत के आ गया, जीत कर आकर उसने सबसे पहला कानून यही बनाया अपने देश में। आपको मालूम है जैसे भारत में भ्रष्टाचारी नेता हैं, अमेरिका में भी हैं। बस अंतर इतना है कि अमेरिका में भ्रष्टाचार करने वाले नेता बहुत बड़ा करते हैं, हमारे थोड़ा छोटा छोटा करते हैं। उनके यहां जब नेता लूटते हैं ना, अरबों डॉलर में लूटते,
एक एक अरब डॉलर, दो दो अरब डॉलर, दस दस अरब डॉलर, एक अरब में 100 करोड़ होता है। हमारे यहाँ नेता लूटते हैं लाखों और करोड़ों में, वो अरबों में लूटते हैं। भ्रष्टाचार वहां भी है, यहां भी है, बस लूट के क्वालिटी में अंतर है। यहाँ कम है, वहां ज्यादा। तो उसने, ओबामा ने कहा कि मैं आऊंगा तो ये भ्रष्टाचार का धन वापस लाऊंगा। लोगों ने जिता दिया। जीतने के बाद उसने संसद में कानून बना दिया। जैसे ही कानून बना, 15 दिन के अंदर स्विट्जरलैंड की बैंकों में अमेरिका के भ्रष्टाचारी नेताओं का जितना धन था वो सब अमेरिका ने वापस ले लिया, सारा धन वापस ले लिया। थोड़े बार क्या हुआ, स्विट्जरलैंड की सरकार ने आनाकानी की, नहीं देंगे, आप क्या कर लोगे। तो उसने एक ही काम किया कि मैं क्या कर लूंगा ये बताता हूं अभी। उन्होंने कहा इराक और अफगानिस्तान दो देशों को तबाह कर दिया है, स्विट्जरलैंड को भी कर सकता हूं। डर गए स्विट्जरलैंड वाले, और स्विट्जरलैंड के पास तो फौज नहीं है, आर्मी नहीं है। अमेरिका ने कहा एक ही मिसाइल छोड़ूंगा और ध्वस्त हो जाएगा, सोच लो। धमकी दी, दादागिरी की, स्विट्जरलैंड ने तुरंत सरेंडर कर दिया, सब पैसा उनको वापस दे दिया। मेरा ये कहना है कि अगर अमेरिका ने ये कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम, उनसे कोई कम है क्या? बराक ओबामा काला आदमी है, हम भी काले हैं, उसकी दो आंखें अपनी भी दो ही हैं, उसके दो काने अपने भी दो ही हैं, उसको जितनी अकल और बुद्धि है उतनी अपने पास भी है, क्यों नहीं कर सकते? और जब उसने करने का संकल्प किया तो भगवान ने भी मदद की उसको, इतने बड़े वोटों से जिताकर राष्ट्रपति बना दिया। हम संकल्प करेंगे तो भगवान हमारी मदद नहीं करेगा, करेगा तो हम भी कर सकते हैं। और हमारे पास ये करने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अपनी संसद से कानून बनाए हम और इस धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करें, सारा पैसा वापस आ जाएगा। क्यों? स्विट्जरलैंड में और दुनिया के दूसरे देश की बैंकों में कानून है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश की राष्ट्रीय बैंक में ही जमा होती है, दूसरी बैंकों में नहीं हो सकती, तो ये कानून की मदद मिलेगी। दूसरा रास्ता ये है कि हम भी दादागिरी करें, और कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड तो छोटा सा देश है, 70-80 लाख की आबादी है। अगर हम दादागिरी पर ही उतर आएं और 115 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े होकर पेशाब भी कर दें तो स्विट्जरलैंड तो बह जाएगा उसमें। हम भी कर सकते हैं दादागिरी। हमारे पास 14 लाख की तो हमारी आर्मी है, फिर वायुसेना है, फिर जल सेना है, तो हम भी कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे हम दादागिरी करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। उल्टा होने वाला है, अगर हमने दादागिरी की तो दुनिया के 50 देश हमारे साथ आके दादागिरी और ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनका पैसा भी वहां पड़ा है, तो स्विट्जरलैंड तो अकेला पड़ जाएगा, तो दादागिरी करके हम पैसा ला सकते हैं। तीसरा रास्ता अपने पास है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा कर सकते हैं और हम इसे सिद्ध कर सकते हैं कि इन नेताओं ने कैसे लूटा ये पैसा, वो फैसला हमारे पक्ष में आ सकता है। और चौथा और आखिरी रास्ता ये है जिसको भारत सरकार ने कहा है कि हम करेंगे, हम स्विट्जरलैंड की सरकार से ही बात करें और उन्हीं को कन्विंस कर दें तो भी ये पैसा आ सकता है। ये चारों रास्ते हमको अपनाने हैं। पहला रास्ते पर अभी हमने चलना शुरू किया है, भारत की सरकार स्विट्जरलैंड की सरकार से बात करे और पैसे को वापस लाने की व्यवस्था करे। तो इसके लिए स्वामी जी ने ऐलान किया था चुनाव के पहले, आपको याद है कि जो नेता, जो पार्टी इस काम को करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको याद है कुछ नेताओं ने घोषणा की, किस किस ने की? सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि अगर मेरी सरकार आएगी मैं इस पैसे को वापस लाऊंगा। दूसरी बात फिर किसने की? राहुल गांधी ने की कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भी इस पैसे को वापस लाएंगे। तीसरी बात किसने की? शरद यादव ने की कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस पैसे को लाएंगे। चौथी बात किसने की? सीताराम येचुरी ने की, माने कम्युनिस्ट पार्टी ने की, कांग्रेस पार्टी ने की, बीजेपी ने किया, जनता दल ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भी लाएंगे।
कई पार्टियों ने ये बोला, तो अब हम क्या कर रहे हैं, चुनाव हो गए, सरकार आ गई और संयोग से कांग्रेस की सरकार आ गई, तो अब हम उनके पीछे लगे हैं। लाओ, आपने बोला था। और इस सिलसिले में परम पूजनीय स्वामी जी प्रधानमंत्री से दो बार मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम जरूर इस रास्ते के इसमें कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा समय दीजिए, 3-4 महीने, हम जरूर इसको करना चाहते हैं, ये पैसा लाना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ले आइए, बहुत अच्छा है, नहीं लाएंगे तो फिर दूसरा रास्ता अपनाएंगे। और दूसरा रास्ता आप जानते हैं क्या है, हम लोगों के सामने कहेंगे कि देखो इन्होंने कहा था, अब कर नहीं रहे हैं, तो इनको ठीक करो। लोगों के पास सबकी चाबी है, जिनको इस बार मेजॉरिटी से जिता के भेज दिया, लोगों की ताकत इतनी है कि अगली बार उनको डुबो दें। बड़े बड़े दिग्गज डूब गए इस देश में, बड़े बड़े दिग्गज, तो हम लोगों से कहेंगे डुबो दो अब इनको, ये नहीं मान रहे हैं हमारी बात। तो अभी तो वो कह रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे, अच्छा है करो भाई, नहीं करोगे तो चैन से तो नहीं सोने देंगे अब उनको, नींद हराम तो उनकी करके रखेंगे। तो ये रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं, धीरे धीरे उम्मीद है कि शायद इसी रास्ते पे चल के काम हो जाए, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, लोगों की ताकत हमारे साथ होनी चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री से परम पूजनीय स्वामी जी बात करें तो प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि ये अकेला आदमी नहीं है, करोड़ों लोग इसके साथ में हैं। वो ताकत आप हमारी बनेंगे। इसलिए मैं आपको एक विनती करने आया कि हमारे भारत स्वाभिमान की ताकत बढ़ाइए ताकि हम ये काम जल्दी से कर सके। करोड़ों करोड़ों लोग हमें चाहिए इस देश। और एक तीसरा काम हम करना चाहते हैं कि जो पैसा स्विट्जरलैंड और विदेशी बैंकों में वो आ गया, अगर भारत में 110 लाख करोड़ आएगा, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पैसे को भारत माता के नाम से एक ट्रस्ट बनाकर, भारत माता के नाम से एक कोष बनाकर उसमें जमा करेंगे, सरकार के खजाने में नहीं रखेंगे इस पैसे, फिर लुट जाएगा पता ही नहीं। और उस खजाने पर, उस कोष पर नागरिकों का नियंत्रण होगा, माने जो नागरिक हैं वो सीधे इसको कंट्रोल करेंगे। फिर आप बोलेंगे इस पैसे का करेंगे क्या, इस पैसे से सबसे पहला काम ये करना है कि गांव की जो गरीबी है वो दूर करनी है। 84 करोड़ लोग जो गरीब हैं वो सबसे ज्यादा गांव में हैं, गांव के लोगों की गरीबी दूर करनी है। कैसे दूर होगी, 6,38,365 गांव की गरीबी दूर करनी है। तो सबसे पहला काम हम ये करने वाले हैं कि ये जो 110 लाख करोड़ रुपया है इसका खर्चा करके गांव गांव में उद्योग शुरू करने हैं, गांव गांव में उद्योग। अभी जो उद्योग हैं वो शहरों में हैं, भोपाल में उद्योग हैं, इंदौर में उद्योग हैं, ग्वालियर में हैं, उज्जैन में हैं, दिल्ली में हैं, बनारस में है, इलाहाबाद, बड़े शहरों में तो उद्योग हैं, छोटे गांव में कुछ नहीं है। इसलिए गांव के लोगों को भाग भाग कर शहर में आना पड़ता है रोजगार के लिए। कितने दुख और तकलीफ की बात है कि कोई व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़कर दूर शहर में जाकर नौकरी के लिए परेशान होता है, और उसकी परेशानी इतनी जबरदस्त होती है कि गांव से आदमी जब शहर चला जाता है रहने के लिए तो शहर के सबसे गंदे इलाके में रहता है, जिसको झुग्गी झोंपड़ियां कहते हैं। उन झुग्गी झोंपड़ियों में हम पैदल नहीं निकल सकते, नाक पर रूमाल रखना पड़ता है, इतनी बदबू आती है, वहां हमारे गांव के लोगों को रहना पड़ता है सालों साल नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में। हम इसको उल्टा करना चाहते हैं, नौकरी और रोजगार के लिए किसी को गांव से भागकर शहर नहीं जाना पड़े, गांव में ही सबको रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे गांव में क्या क्या उद्योग हो सकते हैं, गांव में बहुत उद्योग हो सकते हैं। जैसे मैं नाम के लिए बताऊं, गेहूं पैदा होता है गांव में कि शहर में, गांव में गेहूं पैदा होता है, तो उस गेहूं का आटा भी बन सकता है गांव में, नहीं बन सकता,
जो शहर में आटा बनाने की चक्कियां लग सकती हैं, फ्लोर मिल लग सकती है, वो गांव में भी लग सकती है, नहीं लग सकती? बिजली की व्यवस्था अगर गांव में हो जाए तो गेहूं से आटा बनाने का काम गांव में ही हो सकता है। अगर गेहूं का आटा बनकर गांव से शहर में बिकने को जाए तो गेहूं तो बिकता है 10-11 रुपए, आटा बिकता है 25 रुपए, तो किसानों को फायदा होगा कि नहीं? डबल। तो हम किसानों को क्या समझाना चाहते? गेहूं पैदा करो, गेहूं मत बेचो, आटा बेचो, क्योंकि गेहूं बेचने में लाभ नहीं है, आटा बेचने में लाभ। ऐसे ही दूध कहां होता है? गांव में। जानवर सबके पास? गांव में। तो हम किसानों को कहना चाहते हैं कि दूध बेचना है तो दूध मत बेचो, दूध के सामान बना के बेचो। दूध में से घी निकलता है, मक्खन निकलता है, दूध का दही बनता है। आपको मालूम है हमारे देश में एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है नेस्ले। वो दिल्ली के आसपास के गांव से दूध लेती है 12 रुपए लीटर, और उस दूध का दही जमाती है और उसको बेचती है 65 रुपए किलो। आजकल आपको मालूम है दही के छोटे छोटे पैकेट आने लगे, 65 रुपए किलो का दही बेच लेती है वो कंपनी दिल्ली में। दूध से दही बनाना कौन सी खास बात है बताओ जरा? कौन सी मशीन लगती है इसमें ये बताओ? कितनी पूंजी लगती है ये बताओ? एक पैसा लगाए बिना, बिना कोई मशीन के हम दूध से दही बना सकते हैं। अब दूध से दही वो कंपनी बना सकती है तो किसान भी बना सकते हैं। तो हम किसानों को कहना चाहते हैं दूध नहीं दही बेचो, 65 रुपए किलो का बिकता है, दूध तो 12 रुपए किलो का है। दूध नहीं घी बेचो, 300 रुपए किलो बिकता है, दूध तो सिर्फ 12 रुपए किलो बिकता है। मक्खन बेचो, माने दूध से बनी हुई चीजें गांव से तैयार होकर शहरों में बिके। कपास है, कपास गांव में होती है ना, तो कपास का सूत बनाए गांव में हो सकता है। चरखा चलाने का काम इस देश के लोगों ने बहुत समय तक किया, गांधी जी के जमाने में गांव गांव चरखा चलता था, सूत बनता था, वो सूत से कपड़ा गांव में तैयार हो तो कपास ना बिके गांव से जाकर, कपड़ा बिके गांव से जाकर। कपास बिक जाती है 10-12 रुपए में और उसी से कपड़ा तैयार करें और वो बेचें, वो बिकता है 70-80 रुपए में। मतलब मेरे कहने का यह है कि जो कच्चा माल गांव में तैयार होता है वो सीधे गांव से बाहर ना बिके, पक्का माल वो गांव में ही बने। तो मैंने इसकी एक सूची बनाई तो पता चला 100 उद्योग हर गांव में लग सकते हैं, 100। कपड़ा बनाने का, दूध से दही बनाने का, गेहूं का आटा तैयार करने का, मसाले तैयार करने का, तेल तैयार करने का। सरसों तो गांव में ही होती है ना, तो तेल गांव में निकल सकता है, तेल के डिब्बे बन बन के शहर में बिक सकते हैं। तो 100 ऐसे उद्योग हर गांव में लग सकते हैं, और हर गांव में 100 उद्योग लग गए तो फिर बताओ रोजगार मिलेगा कि नहीं, बेकारी खत्म होगी कि नहीं? और जिसका रोजगार पक्का हो गया, जिसकी बेरोजगारी खत्म हो गई, उसकी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो 110 लाख करोड़ रुपए हमें लाना है विदेशी बैंकों से, इस पैसे को गांव गांव के उद्योग लगाने के लिए खर्च करना है। और कहां खर्च करना है? हमारे गांव में बिजली नहीं है तो मैंने हिसाब निकाला, 4 लाख गांव को बिजली चाहिए, 4 लाख गांव को बिजली चाहिए तो बिजली कितनी लगेगी? तो मैंने हिसाब निकाला करीब 50 से 60 हजार मेगावाट बिजली लगेगी। अब 50 से 60 हजार मेगावाट बिजली लगेगी तो ये कहां से आएगी? इसके लिए बिजली घर लगेंगे। एक बिजली घर अगर हम बनाते हैं 1 मेगावाट का तो उसमें 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसको सुनना ध्यान से, एक बिजली घर हम बनाते हैं 1 मेगावाट का तो 4 करोड़ खर्च होते हैं। 60 हजार मेगावाट के लिए बिजली घर लगाएं 2.5 लाख करोड़ खर्च होगा। तो 2.5 लाख करोड़ माने 110 लाख करोड़ की हमें बिजली की व्यवस्था हो जाए एक एक गांव, एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां बल्ब ना हो और पंखा ना हो। तो बिजली भी हो सकती है, उद्योग भी लग सकते हैं। फिर शिक्षा की बात करें, स्कूल खोलने हो, कॉलेज खोलने हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हो, मेडिकल कॉलेज खोलने हो, वो भी गांव गांव में संभव। सड़क बनानी हो,
हॉस्पिटल बन रहे हो, डॉक्टर हमें रखते हैं, हमें नौकर रख सकते हैं, इतने पैसे अपने पास हैं गांव की सुरक्षा के। आईपीएस ऑफिसर नौकर बन के रहेगा क्योंकि उसको 40,000 चाहिए। तो 110 लाख करोड़ तो इतनी बड़ी रकम है। एक दिन मैंने सोचा इस पूरी रकम को हम भारत के गांव पे खर्च कर दें तो ये दो बार पूरी रकम खर्च हो सकती है और दो बार भारत के एक एक गांव को सोने का गांव बना सकते हैं, समृद्धशाली, वैभवशाली, गौरवशाली बना सकते हैं। मैं सीधा ही हिसाब बताता हूं, 110 लाख करोड़ का सोना खरीदे ना, सोना तो इतना सोना आता है कि 6,38,365 गांव की एक एक सड़क पर सोना बिछा सकते, इतनी बड़ी रकम है। तो गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब खत्म हो सकता है अगर ये धन वापस आ जाए। तो अपने को यही काम करना है, इसी के लिए स्वामी जी ने अभियान शुरू किया है। अब आप बोलेंगे जी हम क्या करें, आप इसमें हमारी मदद करो, बिना आपकी मदद के ये काम नहीं हो सकता। अगर हो जाता तो मैं हरिद्वार से 2000 किलोमीटर चल के पिपरिया नहीं आता, वहीं बैठ के कर लेते ना हम ये काम। तो हरिद्वार से दिल्ली तो नज़दीकी है ना, दिल्ली में बैठते ये काम करा लेते, हमें मालूम है नहीं होता। ये कब होगा, जब आपके जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हमारी ताकत बन जाएंगे, फिर ये काम हम कराएंगे या फिर ये काम होगा। तो आप हमारी ताकत बनो। तो आप कहेंगे इसके लिए क्या करें, इस भारत स्वाभिमान के आप सदस्य हो जाओ, हमारी ताकत बढ़ जाएगी। इसके लिए सदस्यता फॉर्म बना हुआ है, आप ले लेना, स्थानीय समिति के पास है, वो भर के इनको दे देना। फिर क्या होगा, आप जब सदस्य हो जाएंगे तो फिर आपका प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग हरिद्वार में भी होगी और यहाँ भी होगी। हरिद्वार में ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाएंगे तो स्वामी जी खुद ट्रेनिंग देंगे, यहाँ होगी तो मैं देने के लिए आऊँगा। ट्रेनिंग दे के आपको हम तैयार करेंगे और आप जब तैयार हो जाएंगे तो आप भी मेरी तरह से गांव-गांव जाएंगे और लोगों को ये बात समझाएंगे। और ज़्यादा लोगों को जब ये समझ में आएगी और ताकत बढ़ेगी तो सरकार तो झक मार के वही करेगी जो हम करवाएंगे। आपने एक वाक्य सुना है, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संगठन में होती है। सतयुग जब होता था ना, सतयुग राम जी का युग, तब सबसे बड़ी शक्ति राजा में होती थी, राज्य व्यवस्था में होती थी। कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संगठन में होती है। तो अभी कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं है। तो इस कलयुग के हिसाब से हमें संगठन की शक्ति बढ़ानी है और वो शक्ति की मदद से ये काम कराना। आप मदद करेंगे, बहुत अच्छा। अगर आप मदद करेंगे तो मुझे भरोसा है, अगर पिपरिया जैसे छोटे गांव में लोग मदद करेंगे तो बड़े शहरों में भी मदद करेंगे। तो आपकी एक मदद तो ये चाहिए कि आप हमारे संगठन के सदस्य बने जल्दी से जल्दी। फिर आपकी ट्रेनिंग के लिए या तो हरिद्वार बुलाएंगे आपको, नहीं तो यहीं पर ट्रेनिंग देने के लिए मैं आऊँगा या हमारे दूसरे सहयोगी आए। दूसरी एक मदद और कर दीजिए आप। दूसरी क्या मदद कर दें, अपने देश की हालत बड़ी ख़राब है, मैंने कहा गरीबी, भुखमरी, बेकारी। एक और बुरा हाल है अपने देश का, वो भी सुना दूं आपको। अपने देश पे कर्जा बहुत हो गया है, बहुत कर्जा हो गया है। कारण क्या है, नेता इतने हरामी हैं, सब पैसा लूट लेते हैं, विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं, देश चलाने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो देश का काम होता है ना, वो सब कर्जे से होता है, कर्जा बहुत हो गया। जब हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को तो एक पैसे का कर्ज नहीं था हमारे ऊपर, अब 34 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। एक एक हिंदुस्तानी पर लगभग 33,000 रुपए का कर्जा है, एक एक हिंदुस्तानी पर। इस कर्जे से देश को मुक्त कराना है, नहीं तो देश डूब जाने वाला है इसमें। यह कर्जा हमने लिया है विदेशों से बहुत सारा,
अब इसमें ब्याज देना पड़ता है, ब्याज के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, वो आपसे टैक्स के रूप में सरकार लेती है और देती है। अब इसकी समस्या क्या है ना, जैसे जैसे कर्ज बढ़ता जाता है, हमारे देश का जो रुपया है ना, इसका दाम गिरता जाता है, ये समस्या है। पहले हमारा जो एक रुपया था ना, वो अमरीका के एक डॉलर के बराबर था 1947 में। एक रुपया भारत का और अमेरिका का एक डॉलर, दोनों बराबर थे, क्योंकि हमने कर्ज नहीं लिया था। अब कर्ज इतना हो गया है कि 50 रुपया अमेरिका के एक डॉलर के बराबर है। आप बोलेंगे ये रुपए की कीमत क्यों गिरती है कर्ज गिर लेने से? जो कर्ज देने वाला देश है अमेरिका और यूरोप, ये हमारे ऊपर शर्त लगाते हैं। जब हम उनसे कर्जा मांगते हैं कि कर्जा दे दो, तो कहते हैं तुम्हारे रुपए की कीमत कम करो तब देंगे। उनका क्या स्वार्थ है? उनका स्वार्थ ये है कि वो कर्जे में हमको एक डॉलर देते हैं, तो एक रुपया एक डॉलर के बराबर है। जब कीमत गिर जाती है तो 50 रुपया हो जाता है, तो बदले में हमें उनको 50 रुपया देना पड़ता है, इसलिए उनको रकम ज्यादा मिलती है, इसलिए उनका स्वार्थ है। तो वो रुपए की कीमत गिराते हैं, तो कीमत बहुत गिर गई है, 50 रुपया डॉलर हो गई है। अब इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है देश को। नुकसान क्या हो रहा है? हम अमरीका को कोई माल बेचें तो सस्ता बिकता है, हम अमरीका से कोई माल खरीदें महंगा पड़ता है। उनको तो एक डॉलर का माल है जो भारत को बेचते हैं, हमारे लिए वो 50 रुपए का बैठता है, तो हम सस्ता बेचते हैं महंगा खरीदते हैं, इसमें व्यापार घाटा होता है, घाटे की पूर्ति के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है, इस चक्कर में हम फंस गए। तो इसमें आप और एक मदद कर दो देश की। आप बोलोगे जी क्या मदद करें? आप ऐसे सोचो कि अपने घर पे कर्ज हो जाए तो क्या करते हैं? हमारा घर कर्जे में डूब गया, अब क्या करेंगे? तो दो ही रास्ते हैं, या तो घर की आमदनी बढ़ाकर कर्ज को वापस करेंगे, या घर का खर्चा कम करके पैसे बचा के कर्ज वापस करेंगे। दो ही रास्ते हैं ना, या तो घर का खर्चा कम करें या घर की आमदनी बढ़ाएं। अभी ये दोनों काम अगर हम करें तभी देश बचता है। तो मैं आपसे एक विनती करने आया हाथ जोड़कर कि अपने देश पे कर्ज बहुत हुआ है, इसको दूर करने के लिए देश की आमदनी बढ़ाएं और देश का खर्चा घटाएं, खर्चा कम हो आमदनी ज्यादा हो। तो आप बोलेंगे खर्चा कैसे घटाएं? खर्चा घटाने का सरल तरीका यह है कि आपकी जिंदगी में फालतू फालतू काम जो आप करते हो वो मत करो, खर्चा नहीं हो, फालतू काम करना बंद कर दो, खर्चा नहीं होगा। आप बोलेंगे जी कौन से काम हैं जो हम फालतू करते हैं? सवेरे से शाम तक देखो ना कितने फालतू काम करते हो, जिनको ना करें तो भी जिंदा रह सकते हो आप। मैंने इस पर बड़ा अभ्यास किया कि एक एक आदमी इस देश में कितना पैसा बचा सकता है देश का फालतू काम ना करे तो। तो आप बोलो क्या क्या काम ना करें? तो छोटी छोटी बातें कहता हूं, अच्छी लगे तो आज से ही अपने जीवन में अपनाना। पहला फालतू काम जो हम सवेरे ही सवेरे करते हैं, जिसमें देश का 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, फालतू का है बिल्कुल, वो काम है चाय पीना। सवेरे ही उठ के चाय सुड़कने लगते, और कई तो ऐसे महान लोग हैं बिना टट्टी जाए चाय पीने लगते, वो तो मुझे कहते हैं कि चाय पियो नहीं तो टट्टी भी नहीं उतरती, संडास नहीं जा सकते, इसलिए चाय पहले पीते हैं। उनको बेड टी चाहिए, बिस्तर पे चाय चाहिए। और इसमें खर्चा कितना होता है? 1 किलो चाय 150 रुपए की है। हर साल भारत के लोग 70 करोड़ किलोग्राम चाय पी जाते हैं। सोचो कितना पैसा खर्च करते हैं फालतू। और ये फालतू इसलिए भी है कि चाय पी पी के अपना शरीर खराब होता है। ज्यादा चाय पियोगे नशा हो जाएगा। नशा पता है किस बात का? रोज चाय पीनी पड़ेगी। एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द हो जाएगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं एक दिन भी चाय ना मिले तो सिर घूमने लगता है। तो ऐसा नशा किस काम का? और दूसरी समस्या, चाय पियो तो पेट खराब।
चाय से पेट खराब पता है कैसे होता है? चाय में कुछ केमिकल है, एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन, दूसरा है निकोटिन, तीसरा है टैनिन, ऐसे 18-20 केमिकल हैं चाय में। ये सब पेट में जाके अम्लता बढ़ाते हैं। अम्लता समझते हैं? एसिडिटी। पेट में वैसे ही गैस एसिड बनता है, अम्ल बनता है। चाय पियो तो और ज्यादा बनता है, और पेट में जब अम्ल ज्यादा बनने लगता है तो वो खून में चला जाता है। खून की अम्लता जब बढ़ती है तो 80 रोग आते हैं शरीर में। घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जोड़ों में दर्द होना, हृदय घात होना, हार्ट अटैक होना, फिर कई बार ब्रेन हेमरेज होना, खराब से खराब रोग शरीर के खून की अम्लता बढ़ने के बाद ही आते हैं। और ये अम्लता सबसे ज्यादा चाय से बढ़ती है, तो क्यों फालतू में पीना? मत पियो। आदमी को छोड़कर कोई चाय नहीं पीता। मैंने बहुत बार कुत्ते को पिला के देखा, नहीं पीता। गाय को पिलाया, नहीं पीती। भैंस को पिलाया, वो भी नहीं पीती। कोई जानवर चाय नहीं पीता। पक्षी भी नहीं पीते। दूध पीते हैं, दही खा लेंगे, पानी पी लेंगे, चाय नहीं पीता कोई। ये मनुष्य मूर्ख है जो पीता रहता है। अकेला नहीं पीता, हर घर में आने वाले को पिलाता है, तू भी पी। अपनी आंतें जलाते हैं, पेट जलाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती। जिनको भूख नहीं लगेगी, शरीर मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा तो बीमारियां। इसलिए मत पियो। आप चाय छोड़ दो, सारा देश चाय छोड़ दे, 70,000 करोड़ रुपए देश के बचते हैं। तो आप छोड़ दो। कोई भी भारत के महापुरुष ने चाय नहीं पी कभी भी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, ऊधम सिंह, किसी ने चाय नहीं पी। आप क्यों पी रहे हो? बंद करो। तो आप बोलोगे फिर क्या पिए चाय की जगह? मैं आपको बताता हूं, दूध पियो। आप बोलेंगे जी दूध पीने से क्या लाभ है? दो लाभ है। चाय बिकना अगर कम हो जाए, दूध बिकना बढ़ जाए, तो दूध बिकेगा तो जानवर ज्यादा पालने पड़ेंगे, तो मुनाफा सब किसानों को मिलने लगेगा। और चाय का मुनाफा मिलता है ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को। हमारे देश में जो चाय बिक रही है ना, वो सबसे ज्यादा बेचने वाली कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, एक है लिप्टन, एक है टी सिटी, एक है ITC, ये सब विदेशी कंपनियां। तो ज्यादा चाय बिकती है तो मुनाफा विदेशियों को मिलता है, ज्यादा दूध बिकेगा मुनाफा किसानों को मिलेगा, तो क्या अच्छा है? दूध बिके तो दूध पियो, चाय बंद करो, ठीक है? अब कुछ लोग कहते हैं चाय की तलब लगे तो क्या करें? उसका रास्ता मैं बताता हूं आपको, बहुत अच्छा रास्ता। पानी ले लो, खूब गर्म करो उसको, पानी को, उसमें तुलसी की पत्ती डाल दो, अदरक डाल दो, काली मिर्च डाल दो, दालचीनी डाल दो, थोड़ा गुड़ डाल दो, खूब उबाल लो और चाय की तरह से पी लो, काढ़ा बना के पी लो। आप बोलेंगे इतना सब कौन करेगा? तो खाली पानी को खूब गर्म करो, नींबू निचोड़ दो, गुड़ डाल दो, चाय की तरह से पी लो। और ये भी नहीं कर सकते तो खूब पानी को गर्म करो और चाय की तरह से पी लो, बहुत फायदा है। पता है क्या फायदा है? खूब गर्म पानी जब हम पीते हैं तो शरीर के अंदर चाय का जितना जहर जमा है वो सब पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा। चाय छोड़ दो, ठीक है? बच्चे लोग तो छोड़ देंगे पक्का, और अपने मम्मी पप्पा की भी छुड़ा दो। आप बोलोगे तो माता पिता भी मानेंगे। और उनको बोलो दूध पियो। एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, 70,000 करोड़ की हम चाय पी जाते हैं, 70,000 करोड़ का दूध पीने लगे तो 20 करोड़ गाय लगेगी, तब इतना दूध होगा, 20 करोड़। और 20 करोड़ गाय आ गई मान लो, तो हर गाय साल में एक बार तो बच्चा देती है, तो इस देश में कितने करोड़ बैल हो जाएंगे? और इतने करोड़ बैल हो जाएंगे तो वो खेत में खेती के लिए काम आएंगे, तो ट्रैक्टर सब बंद हो जाएंगे,
ट्रैक्टर बंद हुए तो ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनियां भाग जाएंगी सब यहां से, डीजल का खर्चा भी बचेगा, ट्रैक्टर का पैसा भी बचेगा। और सबसे बड़ा लाभ होगा, गाय बढ़ेगी, बैल बढ़ेंगे तो गोबर भी मिलेगा, और इतना गोबर मिलेगा कि हर खेत में गोबर का ही खाद डलेगा, तो यूरिया डीएपी सब बंद हो जाएगा। और यूरिया डीएपी बंद हुआ तो 4,80,000 करोड़ का खर्चा किसानों का और बचेगा। मेरा सारा ध्यान इस बात पर है, खर्चा कम करो, देश का खर्चा बचाओ, आमदनी बढ़ेगी अपने आप। आप जानते हैं जिस घर का खर्चा कम होता है आमदनी अपने आप बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि जो बचत है वही आमदनी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? पिएंगे दूध कल से पक्का? हाँ। अब दूसरा एक तरीका बताता हूं खर्चा बचाने का। दांत साफ करने के लिए टूथब्रश मत करो, खर्चा बचेगा। हम आजकल टूथपेस्ट करते हैं, कॉलगेट, क्लोज अप, पेप्सोडेंट, सिवाका, फॉरेंस, ये बड़े महंगे हैं, 30 रुपए का 100 ग्राम, 300 रुपए किलो, हुआ कि नहीं? गाय का घी 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। क्या मूर्ख लोग हैं इस देश के, पढ़े लिखे, सुपर इडियट। वो क्या करते हैं, 200 रुपए किलो गाय का घी नहीं खाते और 300 रुपए किलो का पेस्ट रगड़ के दांतों पे थूकते हैं। वो कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। मैं उनसे कहता हूं और स्मार्ट बनो। क्या कहते हैं, क्या करें? मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट इसको थूकते क्यों, इसी को रोटी पे लगा लगा के खा लो, गाय के घी से तो महंगा है। कितना फालतू खर्चा कर रहे हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, एक आदमी रोज जो ब्रश करता है ना सवेरे का, तो एक बार के ब्रश में 1.5 से 2 ग्राम टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है। अगर वो आदमी 60 साल तक, अपनी जिंदगी के 60 साल तक ब्रश करता रहे तो एक आदमी का टूथपेस्ट का खर्चा 1,40,000 रुपये आता है 60 साल तक। एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपए का, जिंदगी में वो जितने पेस्ट इस्तेमाल करेगा 60 साल में उसका हिसाब जोड़ा 1,40,000 के आसपास खर्चा। क्या फालतू खर्चा है, बंद करो ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ब्रश को पेस्ट लगा के रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फोकट का काम करो, दातुन करो, दातुन, नीम की दातुन, बबूल की दातुन, पाकड़ की दातुन, करंज की दातुन, अमरूद की भी दातुन होती है, आम की भी दातुन होती है, बबूल की दातुन, 12 तरह के पेड़ हैं उनकी दातुन करो, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, फोकट में मिलती है कि नहीं? एक एक दातुन तोड़ लो और दातुन तोड़ के 7 दिन तक चलाओ उसको। मैं तो एक दातुन 7 दिन कर लेता हूं। कैसे? दातुन किया, चबाया, आगे का हिस्सा काट दिया, फिर पानी में डाल के रखा, दूसरे दिन फिर कर लिया, ऐसे 7 दिन चलती है। एक बार क्या हुआ, एक IIT का लड़का मुझे पूछता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं IIT वाले, मैं भाषण दे रहा था, कहने लगा क्या मूर्खता की काम करते हैं आप, एक दातुन को 7 दिन करते हैं। मैंने कहा भाई तू ये बता, एक टूथब्रश को कितने दिन करता है? उसने कहा मैं तो साल भर तक करता हूँ। मैंने कहा तू महामूर्ख है, मैं तो 7 दिन में बदल देता हूँ, तू साल भर एक ही ब्रश को रगड़ता रहता। बंद करो ये ब्रश। और ये ब्रश की मुश्किल पता है क्या है, टूथब्रश होता है ना प्लास्टिक के, उसमें ब्रसल्स होते हैं, उनको जब हम रगड़ते हैं ना तो मसूड़ों पर उसका घर्षण होता है, मसूड़े सब छिल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिनके मसूड़े कमजोर होते हैं उनके दांत कमजोर हो जाते हैं, जिनके दांत कमजोर हैं उनकी जिंदगी में कोई आनंद नहीं है। दूसरी समस्या क्या है, कभी भी आप देखना टूथब्रश होता है ना उसमें जहां ब्रसल्स लगे रहते हैं ना वहां पीला पीला सफेद सफेद कचरा जमा हो जाता है, उस पे हजारों वायरस आकर जिंदा बैठते हैं, और रोज आप अपने मुंह में डाल के क्या खतरनाक काम कर रहे हो, बंद करो, अच्छा नहीं है ये। और एक बात बताऊं, ये जो टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट जिसको आप घिसते हो,
इसमें झाग बहुत बनता है, मालूम है? झाग तो वॉशिंग पाउडर में भी बनता है। कभी कभी मैं लोगों से कहता हूं आप कॉलगेट क्यों करते हैं, तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो झाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है, शेविंग क्रीम क्यों नहीं रगड़ते? अब मैं असली बात बताता हूं, जिस वस्तु से शेविंग क्रीम में और वॉशिंग पाउडर में झाग बनता है, वही वस्तु टूथपेस्ट में मिलाई जाती है, उसको कहते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। और ये ऐसा खतरनाक केमिकल है जो कैंसर कर देता है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, अमेरिका देश में, यूरोप के देशों में टूथपेस्ट जब बाजार में बेचा जाता है तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है और उसमें कहा जाता है सावधान, टूथपेस्ट करने से कैंसर होता है। अंग्रेजी में लिखते हैं इट इज कैंसरस, कार्सिनोजेनिक। और अमेरिका यूरोप के टूथपेस्ट पे क्या क्या लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस टूथपेस्ट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, माने 6 साल से छोटे बच्चे को ये टूथपेस्ट कभी मत कराना, क्योंकि बच्चे उसे चाट लेते हैं, वो कैंसर से मर सकते हैं। फिर अमेरिका और यूरोप के टूथपेस्ट पे लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, माने गलती से पेस्ट अगर कर लिया बच्चे ने तो हॉस्पिटल लेके जाना उसको, जहर है। क्या जहर है? उसमें एक केमिकल जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये केमिकल एक बूंद अगर आपकी जीभ पर गिरा दें तो जीभ पे ही कैंसर हो जाता है, मत करो आप, ये बेकार है। तो दांत कैसे साफ करें? दातुन से। दातुन है ना, पिपरिया में तो बहुत है, मैं अभी रास्ते में आया इतने नीम के पेड़ हैं कि दातुन ही दातुन है यहां, तो आपको तो कोई कमी नहीं, तो दातुन करो। दातुन ना मिले तो दंत मंजन करो, दंत मंजन भी फोकट वाला करो, खर्चा नहीं करना, फोकट वाला दंत मंजन। घर में रसोई है, वहां पे हल्दी है, ले लो थोड़ी सी हल्दी, और सरसों का तेल है वो भी डाल दो उसमें, और थोड़ा सा नमक, तीनों को मिलाओ, दांत पे घिसो, सबसे अच्छा दंत मंजन। और एक दूसरा बताता हूं, गाय है, गाय उसका गोबर है, गोबर को जला दो। कैसे जलेगा? पहले सुखाओ उसको, छोटे कंडे बनाओ, फिर जला दो, तो राख निकलेगी, उस राख में थोड़ा नमक मिलाओ, थोड़ी फिटकरी मिलाओ और उसको दांत पर घिसो, उससे अच्छा दंत मंजन दुनिया में नहीं। और एक तरीका बताता हूं, नींबू है ना, नींबू हम सब्जी में निचोड़ते हैं, अब छिलका बच गया, इसको फेंकना नहीं, छिलके को उलट दो, अंदर का हिस्सा बाहर निकाल दो, उस पर नमक रगड़ के ऐसे ऐसे दांतों पे घिसो, दांत एकदम साफ। और एक दो बात बताता हूं, जिनके दांत पीले हो गए, आम का पेड़ देखा, उसका पत्ता तोड़ लो, आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी देर, चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा, लुगदी बनेगी, उसको दांतों पे रगड़ दो, दांत एकदम किटकिट करने लगते हैं, एकदम साफ। ये सब फोकट का इलाज है कि नहीं? और नहीं तो कोई खरीदना है तो दंत मंजन खरीद लो, बाजार में बहुत मिलते हैं, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, वीको वज्रदंती, अब तो स्वामी जी का भी दंत मंजन आता है, दिव्य योग दंत मंजन, वो ही ले लो। आप वो लोगे तो आपका पैसा कम से कम स्वामी जी के ट्रस्ट में जाएगा, उसी से हम ये सब काम कर रहे हैं। तो या तो दातुन करो, नहीं तो दंत मंजन। टूथपेस्ट बंद, टूथब्रश बंद। अब एक जानकारी और देता हूं आपको, ये जो टूथपेस्ट होते हैं ना, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिवाका, ये ज्यादातर टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों की हड्डियों से। हमारे देश में हजारों कत्ल खाने चलते हैं, वहां गाय, बैल, भैंस को काटते हैं, उनका मांस बाजार में बिकता है, उन जानवरों की हड्डियों को टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदती हैं, हड्डियों को धूप में सुखाते हैं, बोन क्रशर में डालकर पाउडर बनाते हैं, फिर उसी से पेस्ट बनता है, फिर उसी को हम मुंह में लगाते हैं रोज सवेरे ही सवेरे। और जिस दिन उपवास होता है तो जरूर, भगवान की पूजा करते हैं
सवेरे सवेरे हड्डियों का चूरा मुंह में लगाते हैं। अभी कैसे प्रसन्न होंगे भगवान बताओ। बंद कर दो ये सब, अच्छा नहीं, ठीक है। तो बहुत पैसा देश का बचेगा। मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि पेस्ट बंद कर दें, ब्रश बंद कर दें, जो पैसे बचेंगे अगर उतने से ही दातुन खरीदने लगें, 50 पैसे की एक दातुन, तो 30 लाख लोगों को दातुन बेचने का रोजगार मिल जाएगा इस देश में। आप कभी बंबई जाना, बंबई के सब रेलवे स्टेशन में दातुन बिकता है, 1 रुपए का 2, 2 रुपए का 3। ये बंबई में हो सकता है तो पिपरिया में भी हो सकता है। अब बस करना ये पड़ेगा कि दातुन करनी है तो नीम का पेड़ लगाओ, बबूल का पेड़ लगाओ, दातुन तभी मिलेगी ना, तो पेड़ भी लगाओ हर साल कम से कम एक। हैं? आपका जन्मदिन आता है ना, उस दिन एक पेड़ लगाओ। हम जन्मदिन मनाते हैं आजकल कैसे, केक खरीद लाते हैं, फिर मोमबत्ती लाते हैं, फिर केक के चारों तरफ लगाते हैं, फिर दिया सलाई से जलाते हैं, फिर उसी को फूंक मार मार के बुझाते हैं। क्या मूर्ख लोग हैं, उसको बुझाना था तो जलाया क्यों। हमारे घर में जलता हुआ दीपक तब बुझाते हैं जब किसी की मौत होती है, तो जन्मदिन हुआ कि मरण दिन, तो मत मनाओ। तो कैसे मनाएं जन्मदिन, एक पेड़ लगाओ उस दिन। और मैं तो ये कहूंगा जितने जन्मदिन हो गए ना उतने पेड़ लगाओ। मान लीजिए 14 साल पूरे हो गए तो 14 पेड़ लगा दो। कहां लगाएंगे, घर के सामने लगा दो, घर में जगह नहीं तो पड़ोसी के घर में लगा दो, दोस्ती हो जाएगी। और पेड़ तो रहेगा जिंदगी भर, आप तो चले जाओगे। नीम का पेड़ अगर लगाया तो 500 साल जिंदा रहता है, आप तो 100 साल में ही मर जाओगे, वो पेड़ तो 500 साल रहेगा। और एक पेड़ आपने लगा दिया, 1000 रुपए की ऑक्सीजन देता, ऑक्सीजन ही हमें चाहिए, वो पेड़ से ही आती है। तो हर दिन, हर जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, ऐसे जन्मदिन मनाएं, ठीक है। और एक दो काम करना, फालतू का खर्चा बंद, साबुन मत खरीदो, बहुत फालतू खर्चा। एक साबुन 15 रुपए का 100 ग्राम आता है, 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो तो काजू आता है, काजू खा लो तो अच्छा है। तो आप बोलोगे नहाएं कैसे, फोकट में नहाओ ना बिना साबुन के। बिना साबुन के कैसे नहाते मालूम है, घर में तौलिया है, तौलिया उसको पानी में भिगो लो, निचोड़ो और खूब कस के रगड़ो और पानी से नहा लो, कोई खर्चा नहीं। फिर आप कहेंगे पसीने की बदबू आती है, उसके लिए दूसरा रास्ता बता दो, नींबू का छिलका है ना जिसका रस निकाल दिया, उसको उल्टा करके खूब रगड़ो शरीर में, पानी से नहा लो, एकदम खुशबू आती है। और नहाने का एक तरीका बताता हूं, अपने देश में एक महाशिवरात्रि त्योहार आता है, शंकर जी को उस दिन स्नान कराते हैं, किससे, दूध से कि लाइफ बॉय से, पता है शंकर जी लक्स लगाते हैं, नहीं ना, शंकर जी दूध से नहाते हैं, क्यों, सोचा कभी क्यों, मैंने सोचा ये शंकर जी दूध से क्यों नहाते हैं, भक्त लोग साबुन से नहाते हैं, भगवान जी को दूध से नहलाते हैं, दूध से इसलिए नहाते हैं कि दूध सबसे अच्छे तरीके से शरीर का मैल निकालता है। दूध को हम लोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट, सफाई करने वाला। आप एक दिन ऐसा करना, दूध लेना थोड़ा कच्चा, उसको चेहरे में लगाना, फिर रुई से चेहरे को पोंछना, रुई एकदम काली काली हो जाए। कैसे, आपने दूध लगाया, गंदगी सब बाहर आ गई, रुई से पोंछा, रुई पे आ गई, माने गंदगी निकालने का काम दूध करता है। तो शरीर में भी दूध लगाएं, गंदगी निकल जाएगी, समझ में आया। अपने भारत में किसी बुजुर्ग के पांव छुओ तो क्या कहते हैं, दूधो नहाओ। कभी किसी ने ये कहा लक्स लगाओ पूतों फलो, कहा किसी ने, नहीं, सब लोग कहते हैं दूधो नहाओ। तो मान तो लो उनकी बात, दूध से नहाओ,
आप बोलेंगे बड़ा खर्चा होगा, साबुन से कम खर्चा होता है दूध से नहाने में। मैं बहुत बार नहा के देखा, 2-3 चम्मच दूध लगता है, उसको शरीर में मालिश कर लो तेल की तरह से, फिर पानी से नहा लो, गंदगी सब निकल जाती है। और दूध से नहाओ ना तो त्वचा एकदम मुलायम रहती है, सॉफ्ट रहती है। और जिनकी त्वचा मुलायम है, नरम है, उनको कभी फेयर एंड लवली नहीं लगानी पड़ती, तो उसका भी खर्चा बचेगा। ठीक है, नहाओगे दूध से? अब दूध से नहाएंगे तो दूध की बिक्री बढ़ेगी कि घटेगी? तो पैसा किसानों को मिलेगा, तो जानवर पलेंगे, तो देश का विकास का काम होगा, समझ गए? नहीं तो चने के आटे से नहाओ, बेसन से, थोड़ा बेसन ले लो, दूध मिला लो, पेस्ट बनेगा, शरीर में रगड़ के नहा लो। नहीं तो एक मुल्तानी मिट्टी आती है, मालूम है, वो रात को भिगो दो पानी में, सुबह लगाओ बालों में भी, शरीर को भी। बालों में लगाओ तो शैम्पू जैसी, शरीर में लगाओ साबुन जैसी। 10 रुपए किलो में आती है मुल्तानी मिट्टी। ये सब नहाने के तरीके हैं, ठीक है? पैसा बचाएंगे, और एक दो काम करो तो पैसा बचेगा। कभी भी फालतू में क्रीम पाउडर लिपस्टिक मत लगाओ, बहुत खर्चा होता है। बहुत लोग लगाते हैं लिपस्टिक, नेल पॉलिश, क्यों? कहते हैं स्मार्ट आ जाते, स्मार्टनेस आती है। क्रीम पाउडर लिपस्टिक से कोई स्मार्ट नहीं बनता, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से और अपने गुणों से स्मार्ट बनते हैं। कोई नहीं बनता क्रीम पाउडर लिपस्टिक से। फालतू में मत खर्चा करो, बहुत फालतू खर्चा है। और पाउडर वाउडर भी मत लगाओ। आप बोलेंगे क्यों? हम जब पाउडर लगाते हैं ना तो शरीर के छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, पसीना निकालने वाले, वो सब बंद हो जाते हैं, पाउडर भर जाता है उनमें, फिर बीमारी शुरू हो जाएगी। जो ज्यादा पाउडर लगाएंगे कील मुहासे भी उनको ही आते हैं, क्योंकि कील मुहासे का कचरा निकलने के लिए जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। मत लगाओ। तो फालतू खर्चा नहीं करना, अपने को सवेरे से शाम तक ये देखना कहां कहां खर्चा बचा सकते हैं। एक और खर्चा बचा सकते हैं, बीमार पड़े तो दवा खाने के लिए चले गए। अब बीमारी में गोलियां खरीद लाए, कैप्सूल खरीद लाए, इंजेक्शन ले आए। मेरा ये कहना है कि बीमार पड़ो तो रसोई घर की दवा कर लो, खर्चा नहीं है ज्यादा। सर्दी जुकाम हुआ तो अपने रसोई घर में हल्दी है, हल्दी को दूध में खूब गर्म करके पी लो, सर्दी जुकाम ठीक। खांसी हो गई तो अपने रसोई घर में अदरक है, अदरक का रस निकालो, थोड़ा गुड़ मिला के या शहद मिला के गर्म करके पी लो, खांसी ठीक हो गई। ज्यादा खांसी हो गई तो तुलसी का रस निकाल दो, अदरक का रस निकाल लो, शहद मिला के पी लो। बुखार बहुत आ गया तो दालचीनी का पाउडर और तुलसी ले लो, खूब उबाल के काढ़ा बना के उसे पी लो। एक भी बीमारी के लिए दवा खाने की जरूरत नहीं। पेट खराब हो गया, दस्त बहुत हो रहे हैं तो जीरा ले लो और फंकी मारो, चबा के खाओ, दस्त एकदम बंद हो जाते हैं। कच्चा दूध ले लो, नींबू निचोड़ के पी लो, एक ही बार में दस्त बंद हो जाते हैं। सब बीमारियों का इलाज रसोई घर में है, एक भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। अपने जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, सबको मालूम है, लेकिन हम उनसे पूछते नहीं हैं। डॉक्टर से पूछने के लिए जाते हैं, पैसे भी देते हैं डॉक्टर को, खर्चा भी करते हैं। दादा दादी से पूछ लो, नाना नानी से पूछ लो, सबको मालूम है ये इलाज। और एक छोटी सी बात याद रखो कि बीमारी मत पड़ो तो दवा का खर्चा ही नहीं। आपको मालूम है स्वामी रामदेव जी सालों साल से बीमार नहीं पड़े, तो आप भी मत पड़ो। वो क्या करते हैं, रोज प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, आप भी कर लो, थोड़ी देर प्राणायाम कर लिया करो। सीखना है तो सिखाने वाले यहां योग शिक्षक हैं, प्राणायाम सीख लो थोड़ा, 15-20 मिनट भी अगर रोज कर लिया, आधा घंटे करें तो बहुत अच्छा है, 15-20 मिनट भी रोज कर लें तो बीमारी नहीं आती। बीमारी नहीं आएगी, दवा का खर्चा नहीं, दवा का खर्चा बचेगा तो देश का पैसा बचेगा। एक दिन हमने हिसाब निकाला, सब लोग बीमार पड़ना बंद करें
तो 6 लाख करोड़ रुपए देश का बचता है। जिस घर पर कर्ज होता है ना, उसका एक एक पैसा बचाना चाहिए। देश पर कर्ज हो गया है, देश का पैसा बचाना चाहिए। और बीमार ना पड़े उसके लिए 4 मोटी मोटी बातें हमेशा याद रखना, मैं उनका पालन करता हूं, आप भी करना। योग प्राणायाम रोज करना, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना कभी भी, 1 घंटे बाद पीना, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ना, उसका पाचन होना बहुत जरूरी है। खाने को पचाने के लिए पेट में अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही वो जलना शुरू हो जाती है, हम घटाघट पानी पी लेते हैं, वो अग्नि शांत हो जाती है, फिर खाना पचता नहीं, फिर खाना सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना सैकड़ों बीमारियां पैदा करता है। इसलिए खाने के बाद पानी मत पियो 1 घंटे तक, और पानी को जब भी पियो तो घूट घूट भर के पियो, थोड़ा थोड़ा। क्यों? मुंह में लार बनती है ना, ये पानी में मिलके पेट में जानी चाहिए। मुंह की लार जो है ना क्षारीय है, पेट में अम्ल बनता है। क्षार और अम्ल दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। जिनका पेट न्यूट्रल होता है वो कभी बीमार नहीं पड़ते। इसलिए पानी घूट घूट पियो। तीसरा तक काम करो, कभी भी ठंडा पानी मत पियो, हमेशा पानी सादा या गुनगुना पानी पियो। फ्रिज का पानी मत पियो, क्योंकि ठंडा पानी पीते ही गड़बड़ होती है। हमारा पेट गर्म है, पानी हमने ठंडा पी लिया, अब पानी को गर्म करना पड़ता है पेट में, उसके लिए खून की जरूरत पड़ती है। सारे शरीर का खून पेट में आ जाता है तो शरीर के दूसरे अंगों को खून की कमी पड़ती है, उसके कारण शरीर के अंग खराब होते हैं। इसलिए ठंडा पानी मत पियो, सादा पानी पियो, मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं। और आखिरी नियम है, सवेरे सवेरे सोकर उठो, सबसे पहले पानी पियो, मुंह धोने से पहले पानी पियो, संडास जाने से पहले, टॉयलेट जाने से पहले पानी पियो। पानी पिए के अगर आप टॉयलेट जाओगे, पेट एकदम से साफ होगा, और जिनका पेट एक बार सुबह साफ होता है वो बीमार नहीं पड़ते। आप जानवरों को देखो, जानवर जब खाना खाते हैं ना, कोई पानी नहीं पीता, हमेशा 3-4 घंटे के बाद पानी पीते हैं। चिड़िया भी दाना चुगती है सुबह सुबह, पानी पीती है 10-11 बजे। पक्षी और पशु सब पानी खाने के 2-3 घंटे बाद पीते हैं, और कोई पशु पक्षी ठंडा पानी नहीं पीता, बर्फ नहीं खाता, आइसक्रीम नहीं खाता। आप क्यों खा रहे हो? नहीं खाना, गला खराब होता है। फालतू खर्चा कम करो, पैसे बचा के स्वस्थ रहो। हम स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, 6 लाख करोड़ रुपया बचेगा। और मैंने सवेरे से शाम तक का हिसाब बताया, चाय कॉफी बंद करें, टूथपेस्ट बंद करें, साबुन वगैरह विदेशी ना लगाएं, तो इसमें 2,32,000 करोड़ का खर्च बचता है। अब 6 लाख करोड़ दवा से बचा लें, 2,32,000 करोड़ इससे बचा लें, 3-4 साल में इतनी बचत हम कर सकते हैं कि कर्ज पूरा चुका सकते हैं। और कर्ज चुक गया तो रुपया और डॉलर बराबर हो जाएगा, 1 रुपया 1 डॉलर। फिर हम अमेरिका को 1 रुपए का माल बेचेंगे तो 1 डॉलर आएगा, 50 रुपए का नहीं बेचना पड़ेगा। हमारी आमदनी पूरे देश की रुपया डॉलर बराबर होते ही 50 गुनी आमदनी बढ़ जाएगी देश की, जिसको हम एक्सपोर्ट इनकम कहते हैं, निर्यात की आमदनी कहते हैं। और जिस देश की आमदनी 50 गुनी बढ़ जाए और जिस देश का खर्चा 50 गुना कम हो जाए, वो देश तो सोने की चिड़िया अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यही सब बातें कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना सब धीरज और शांति से सुना, अगर ये बातें आप दूसरों को सुनाएंगे तो और भी आभारी रहूँगा। एक चलते चलते छोटी बात किसानों के लिए कहना चाहता हूँ। अगर यहाँ कोई किसान भाई हैं, खेती करते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी खर्चा घटाएँ, अपना खेती का खर्चा घटाएँ। तो खर्चा कैसे घटेगा? यूरिया DAP डालना बंद कर दें, बहुत खर्चा घटेगा। और दवा छिड़कते हैं जो खेत में पेस्टिसाइड, वो बंद कर दें। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? यूरिया DAP बंद करके गाय का गोबर, भैंस का गोबर खेत में डालें।
अब आप बोलेंगे गोबर और कैसे डालें खेत में, बहुत सरल तरीका है उसका। एक एकड़ खेत अगर आपके पास है तो 10 किलो गोबर ले लो किसी भी जानवर का, 10 लीटर मूत्र ले लो किसी भी जानवर का, गाय बैल भैंस का, दोनों को मिला लो, उसमें 1 किलो गुड़ डाल दो, गुड़, और 1 किलो दाल का आटा, और 1 किलो मिट्टी, खेत की मिट्टी मेड़ की हो तो बहुत अच्छा। गोबर 10 किलो, मूत्र 10 लीटर, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, और खेत के मेड़ की 1 किलो मिट्टी, ये 5 चीज़ें मिला के ड्रम में रख दो, 15 दिन रखा रहने दो, 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगा। फिर इसमें पानी मिला दो कम से कम 200 लीटर, तो ये घोल तैयार हुआ। इसको खेत की मिट्टी पे छिड़कना है। ये सबसे अच्छी खाद है दुनिया की, 1 पैसा भी खर्च नहीं होता इसे। ये खाद का इस्तेमाल हजारों किसान कर रहे हैं पूरे देश में और सब अच्छे हो गए। जो किसान पहले गेहूं लेते थे यूरिया डीएपी से 1 एकड़ में 10 क्विंटल, अब उनका गेहूं आता है 1 एकड़ में 20 क्विंटल। जिनका गन्ना होता था पहले 1 एकड़ में 25 टन, अब उनका गन्ना होता है 1 एकड़ में 70 टन। जिनकी कपास होती थी 1 एकड़ में 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल, अब होती है 7 क्विंटल, उत्पादन बढ़ गया। और जो पैदा हो रहा है वो इतना स्वादिष्ट है कि बाजार में खूब अच्छे भाव पे बिकता है। जो किसान इस तरह से गेहूं करते हैं उनका गेहूं 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो बिकता है, उसको ऑर्गेनिक शुद्ध कहते हैं। ऑर्गेनिक चीजों की सारी दुनिया में मांग है, पूरी दुनिया में। आप भी अपने खेत में इस ऑर्गेनिक तरीके से खेती करो तो बहुत अच्छा है। फॉर्मूला फिर बता देता हूं, 1 एकड़ खेत के लिए 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो मिट्टी, तो सीधे छिड़क सकते हैं। फसल खड़ी हो तो पानी के साथ मिला सकते हैं, फसल में जब पानी देते हैं ना उसमें मिला दो इसको। मैंने एकड़ का बताया, अब 2 एकड़ है तो डबल कर लेना, 3 एकड़ है ट्रिपल कर लेना। यूरिया का खर्चा खत्म करना। अब यूरिया डीएपी बंद करेंगे खर्चा कम हुआ, फिर हम जो खाएंगे वो शुद्ध हुआ, वो शुद्ध खाएंगे बीमारी कम, दूसरों को खिलाएंगे उनकी बीमारी कम, सारा देश स्वस्थ सुखी और निरोगी हो जाए। और जब खेत में कीड़ा लग जाए तो कीड़े मारने की भी दवा घर में बना लो, गाय का मूत्र ले लो, भैंस का मूत्र ले लो 20 लीटर, 2-2.5 किलो नीम के पत्ते की चटनी मिला दो इसमें, 2-2.5 किलो आंकड़े के पत्ते की चटनी मिला दो, 2-2.5 किलो सीताफल के पत्ते की चटनी मिला दो, 0.5 किलो तंबाकू का पत्ता पीस के डाल दो, और जो भी आसपास में पेड़ पौधे हैं जिनके पत्तों को जानवर नहीं खाते उनको तोड़कर चटनी बना के डाल दो, गोमूत्र में या भैंस मूत्र में उबाल लो, उबाल कर ठंडा करके छान लो, फिर 200 लीटर पानी मिलाकर खेत पर स्प्रे कर दो, सब कीड़े मर जाते हैं, सब भाग जाते हैं, 1 पैसे का खर्चा नहीं। तो खर्चा बचाओ खेती में, अपने घर में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, तो आमदनी बढ़ेगी, तो ये देश दुनिया में सबसे आगे निकलेगा। यही बोलकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बड़े ध्यान से सुना, शांति से सुना, और आप दूसरों को बोलेंगे तो आपका बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।